this particular chapter, we detail discuss about each and everything which is related to this chapter. So first we want to go overview before starting the session. So in this particular chapter we cover some topic that is matter to study the mineral requirement of the plant. यानी प्लांट को मिनरल की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके बारे में मेथड सारे के सारे उसके मेथड पढ़ेंगे और ये देखेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या होते हैं और फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है आफ्टर डेट ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है आफ्टर डेट सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट कि सॉइल जो होती है वो रिजर्वायर होती है एसेंशियल एलिमेंट के लिए मतलब जो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए जरूरी एलिमेंट है उसके लिए सॉइल क्या है रिजर्वायर है ठीक है और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा सो फर्स्ट वी रीड फॉर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट एलिबरेट ईच एंड एवरीथिंग सिंपल एंड इजी वर्ड्स सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो क्या है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हमको क्या बताया गया एनसीईआरटी की रेशियो में द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जो बेसिक नीड होती है सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल इज द सेम है ना जो बेसिक नीड होती है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है एसेंशियली क्या होती है सेम होती है ना किस बेसिस पे सेम बोला गया यहाँ पे कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है किसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कौन से न्यूट्रिएंट की माइक्रोमॉलिक्यूल की किसकी जरूरत होती है माइक्रोमॉलिक्यूल की है ना सच माइक्रोमॉलिक्यूल वो कौन कौन से होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल में कौन आते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है प्रोटीन आते हैं और क्या आते हैं फैट आते हैं है ना ये बात याद रखेंगे कि माइक्रोमॉलिक्यूल में कौन कौन से आते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है प्रोटीन आता है और फैट आता है ना कार्बोहाइड्रेट आ गया प्रोटीन आ गया और फैट आ गया ठीक है ये किसमें आए माइक्रोमॉलिक्यूल में किसमें माइक्रोमॉलिक्यूल में ठीक है और क्या जरूरत पड़ती है वाटर एंड मिनरल वाटर मिनरल की जरूरत किसके लिए पड़ेगी वाटर मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर मिनरल है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट क्या है माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ये बात याद रखेंगे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड होती है वो सेम होती है ठीक है आगे क्या है दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन है ना इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे है ना ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि हमसे पूछ सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हम किस प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है वेदर इन तो हम इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे क्या है वेदर इन यू विल स्टडी मैथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट एसेंशियल टू ग्रोथ है ना हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट हैं जो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए एसेंशियल हैं और क्या देखेंगे उनकी क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइजिंग एसेंशियलिटी यानी उसमें एसेंशियलिटी मतलब उसको एसेंशियल क्यों माना गया उसका क्राइटेरिया क्या है ना उसको क्राइटेरिया स्टेबलाइज करने के लिए एसेंशियलिटी का क्या होता है वो चीज़ देखेंगे हम और क्या देखेंगे यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट आप एसेंशियल एलिमेंट का रोल भी देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट है वो प्लांट में अपना कौन सा रोल प्ले कर रहा है ठीक है और क्या देखेंगे देयर मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में देखेंगे और क्या देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट को कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना उनका मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है और क्या है दिस चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू ब्रीफली टू सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजनिफिकेशन तो इसमें क्या है ये इस चैप्टर में हम क्या संक्षिप्त ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त में मतलब क्या होता है संक्षिप्त में इस चैप्टर में संक्षिप्त में हम क्या देखेंगे सिग्निफिकेंस देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का है ना नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है क्या क्या मैथड होते हैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में इस चैप्टर में हमें देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्या है अपना मैथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट है ना इसमें क्या है कि मैथड क्या करेंगे स्टडी करेंगे मिनरल रिक्वायरमेंट जो प्लांट की होती है उसके बारे में तो इसमें क्या बताया गया है इन 1860 में जूलियस वॉन्सेक ए प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड टू फर्स्ट टाइम डेट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ सॉइल तो इसका मतलब क्या हुआ हमको ये बताया गया है कि
1860 में है ना, 1860 में एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, कौन से जर्मन के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जूलियन वॉन सैक था, ये बात याद रखेंगे, क्या था 1860 में, 1860 में जर्मन के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जूलियस वॉन सैक्स, जूलियन वॉन सैक्स साहब थे, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। 1860 में इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, किसमें प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं, इसमें क्या हो, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी वहां पे माटी की जरूरत ना हो, है ना, सॉइल की जरूरत ना हो, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को क्या बोला, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, है ना, इस टेक्निक को क्या बोला, हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोला, क्या टेक्निक बोला, हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोला। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो करते हैं एब्सेंस ऑफ सॉइल, वहां पे सॉइल नहीं होती है, ठीक है। सिंस देन ए नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई द डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर प्लांट, और फिर इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे मेथड आए और फिर ये पता चला, डिटरमाइन किया गया ट्राई टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट, है ना, कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, यानी जरूरी हैं। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइनिंग मिनरल सोल्यूशन, है ना, ये सारे के सारे जो मेथड हुए ये किस पे फोकस कर रहे थे, कल्चर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को कल्चर करो सॉइल फ्री सिस्टम में, सॉइल फ्री सिस्टम में यानी सॉइल की एब्सेंस में, है ना, और उनका डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन में, यानी मिनरल सोल्यूशन यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ग्रो करो, और कि सॉइल की फ्री सिस्टम में, मतलब उसमें सॉइल ना हो, ठीक है। आगे क्या है, दीज मेथड रिक्वायर प्यूरीफाई वाटर, है ना, इस मेथड में क्या जरूरत होती है, प्यूरीफाइड वाटर, यानी जो पानी हो साफ सुथरा पानी होना चाहिए, और क्या हो, मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट, और उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट की जरूरत होती है। अब आगे क्या बोला गया, कैन यू एक्सप्लेन भाई इट्स सो एसेंशियल, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ये जरूरी है, हाँ भाई, क्योंकि जब प्यूरीफाइड वाटर होगा, अच्छा प्योर वाटर होगा, तो उसमें क्या कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, है ना, और मिनरल न्यूट्रिशन साल्ट होंगे तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल होते हैं, इस वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, है ना, और प्यूरीफाइड वाटर है तो उसकी वजह से उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगी, तो प्लांट को वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, है ना, तो इससे अच्छे प्लांट अपना अच्छे से लाइफ सर्वाइव करेगा और अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आगे कह दिया गया है, आफ्टर ए सीरीज एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट ऑफ द प्लांट वर इमर्ज इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड वेयर इन एलिमेंट एडेड और सब्सटीट्यूटेड रिमूव और गिवन ए वेरिड कंसंट्रेशन इन ए मिनरल सॉल्यूशन। अब ये क्या बताया गया है, अब हमको ये बताया गया है कि उसके बाद क्या, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ना, उसमें क्या देखा गया कि जिसमें रूट ऑफ प्लांट, जो प्लांट की रूट थी, उसको कहाँ पे इमर्ज किया गया, इमर्ज का मतलब होता है डुबोना या डालना, इमर्ज का मतलब क्या होता है, डुबोना, इमर्ज का मतलब क्या होता है, डुबोना, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डुबो दिया गया प्लांट की, किसको, रूट को, ठीक है, और जिसमें क्या था, एलिमेंट को ऐड करते थे हम लोग, है ना, एलिमेंट को ऐड करते थे और क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, यानी रिमूव करते थे, ऐड करते थे और रिमूव भी करते थे, और उनको एक वेरिड कंसंट्रेशन, यानी उनके एक कंसंट्रेशन पे, वेरी कंसंट्रेशन पे उसको निकालते थे और डालते थे, ठीक है, और क्या है, इन्हें मिनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑप्टेंड, और फिर क्या, सुटेबल जो वो मतलब मिनरल सॉल्यूशन जो हम डालते थे उसमें, एलिमेंट डालते थे उनकी कंसंट्रेशन पे, वेरिड कंसंट्रेशन पे, है ना, चीज़ों को डालते थे, निकालते थे, तो वो क्या, प्लांट ग्रोथ, जिससे सुटेबल प्लांट ग्रोथ ऑप्टेंड हो जाए, ठीक है। आगे क्या है, बाय दिस मेथड, इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाई एंड देयर डिफरेंसी सिम्टम्स डिस्कवर, है ना, इस मेथड से क्या पता चलता है, इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनका डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो होते हैं वो डिस्कवर हो जाते हैं, ठीक है, डिफिशिएंसी सिंड्रोम डिस्कवर हो जाते हैं। हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉय एज ए टेक्निक फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, है ना, जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक था इसको सक्सेसफुली इम्प्लॉय किया गया, लागू किया गया, कहाँ पे लागू किया गया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, यानी व्यापारिक रूप पे, यानी
हम मतलब व्यापार करने के लिए प्रोडक्शन करते थे किसका, वेजिटेबल का। अब उसमें कौन कौन से वेजिटेबल में कौन कौन सी चीजें आ गई, वेजिटेबल में आ गया टमाटो आ गया, और क्या आ गया सीडलेस कुकुम्बर आ गया, और क्या आ गया लेट्यूस आ गया। टमाटो मतलब टमाटर, सीडलेस कुकुम्बर मतलब ऐसा कुकुम्बर, ऐसा खीरा। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा, सभी जानते हैं, ऐसा खीरा जिसमें सीड ना हो, है ना, सीडलेस कुकुम्बर। और क्या बोला गया, लेट्यूस, ये क्या होता है, लेट्यूस क्या होता है, लेट्यूस है ए टाइप ऑफ लीफ, क्या है, ए टाइप ऑफ लीफ विच यूज इन सैलेड, है ना, विच यूज सैलेड, है ना, एक टाइप की पत्ती है जिसको हम सलाद में यूज करते हैं, है ना, लेट्यूस, ठीक है। आगे क्या है, इट मस्ट बी इम्फेसिस डेट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली इरिगेटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ, है ना। अब इसमें क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, है ना, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, एडिक्वेटली, क्या है, एडिक्वेटली इरिगेटेड, यानी उसमें हवा, मतलब अंदर हवा एयर जाने के लिए उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, हवा जाने के लिए उसमें जुगाड़ होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो वो क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए जरूरी होता है कि उसकी प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, अच्छी खासी ग्रोथ हो सके, इसलिए जो सिस्टम होना चाहिए मस्ट बी इरिगेटेड होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, व्हाट वुड हैपन इफ सोल्यूशन वर पुअरली इरिगेटेड, क्या होगा जब सोल्यूशन पुअरली इरिगेटेड होगा, है ना। पुअरली इरिगेटेड का मतलब यही होता है यार कि वहाँ पे एयर जाने का जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है। अब सोल्यूशन में जब पुअरली इरिगेटेड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सोल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में प्लांट की रूट है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, है ना, नॉट ऑब्टेन ऑक्सीजन बाई प्लांट, है ना, प्लांट ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, है ना, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लांट का खत्म हो जाएगा, प्लांट अपनी एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा, और इंटायर पूरा प्लांट यानी रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो सारा इंटायर प्लांट ही पूरा डेथ हो जाएगा, है ना, मर जाएगा, ठीक है। हमको क्या बताया गया, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में बताया गया फिगर, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का फिगर कब कहाँ पर दिया गया है, 12.1 और 12.2 में दिखाया गया फिगर, ये है किसका है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें क्या है, अब यहाँ पे एक बकेट टाइप का ले लिया गया, ठीक है, बकेट ले लिया गया, इसमें क्या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया गया, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट इसमें डाल दिए गए, और फिर क्या हुआ, एक फनल लगा दी गई। फनल किस लिए लगा दी गई, फनल को क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं, ये किस लिए लगाई गई, इसमें वाटर ऐड करेंगे और क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे इसी फनल के थ्रू, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे इरीगेटिंग ट्यूब लगा दी गई, इरीगेटिंग ट्यूब ये जो है यहाँ से इरीगेशन आएगा, है ना, इसको हम जब चलाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो अच्छे से हिलेगा, इरीगेटेड होगा तो सारे के सारे जो मिनरल न्यूट्रिशन है पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे, है ना, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो अच्छे खासे से फिर रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉटन किस लिए लगाई गई, ये जो लगाए गए हैं ये कॉटन किस लिए लगाए गए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सॉल्यूशन के अंदर ना आ पाए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो ये पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना, उसमें फिर प्लांट ग्रोथ अपनी अच्छे से नहीं कर पाएगा कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज करने लगेगा, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हो कितनी हाई रेट पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और वो प्लांट को सर्वाइव नहीं होने देंगे, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है, कॉटन लगाएगी इसीलिए, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आगे एक और बताया गया फिगर, इसमें क्या है, ये भी क्या है, इसमें भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रखा गया है ना, इसमें भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रखा गया है और यहाँ पे क्या है, पंप लगा दिया गया है। अब इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहाँ पाइप से थ्रू जा रहा है और इस पाइप से यहाँ से जा रहा है, जितने भी प्लांट हैं यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं सारों के सारे जड़ में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जा रहा है और फिर वही वापस आके इसी टैंक पे आ रहा है, पंप पे आ रहा है और फिर ही साइक्लिक रूप से इसको फिर से प्लांट में भेज रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यही बताया गया है हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, है ना, क्या बताया गया यहाँ पे, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट ग्रो इन ए ट्यूब और थ्रू द प्लेस स्लाइट इंक्लाइंड, एक तरफ का इसका हिस्सा जो है इंक्लाइंड किया गया है, झुका हुआ है, जिससे कि वो सॉल्यूशन है वो आसानी से आ जाए वापस। ए पंप सर्कुलेटेड, एक पंप लगाया गया है, सर्कुलेट कर रहा है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम द रिजर्वायर टू एलिवेटेड इन द ट्यूब, और जहाँ पे रिजर्वायर, जहाँ पे सॉल्यूशन रखा गया है वहाँ से पूरे ट्यूब में वो क्या सर्कुलेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। द सॉल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब रिटर्न टू द रिजर्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी, और जो सॉल्यूशन ट्यूब में फ्लो हो रहा है वो
फिर उसी उसमें आ जा रहा है, कहाँ पे आ जा रहा है, रिजर्वायर में आ जा रहा है, जहाँ से गया था वहीं पे आ जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। किसके? ग्रेविटी की वजह से। इनसेट्स ऑफ द प्लांट हुज रूट आर कंटिन्यूसली बाथेड इन द इरिगेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और इसमें क्या बताया गया, जो पाइप के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है तो उसकी जो रूट है वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कंटिन्यूअस बाथ है, मतलब उसी में डूबी हुई है। ठीक है, द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो एरो है ये फ्लो के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर यहाँ पे वापस आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन है ना, मिनरल इसेंशियल मिनरल एलिमेंट के बारे में बताया गया है, कौन कौन से इसेंशियल मिनरल एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्या दिया गया है टेस्ट में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन इंटर प्लांट थ्रू रूट, है ना, ज्यादातर जो मिनरल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो रूट में प्लांट में जाते हैं, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ मिनरल जो प्रेजेंट होंगे सॉइल में प्रेजेंट होंगे और रूट उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगी। ठीक है, मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 105 एलिमेंट हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हुए हैं, है ना, अभी तक डिस्कवर हुए हैं। उसमें से कितने हैं, मोर देन 60, उसमें से 60 से ज़्यादा एलिमेंट हैं जो डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं। सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं उसमें क्या एक्यूमुलेट होता है, कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या एक्यूमुलेट होता है, सेलेनियम, यसी सेलेनियम एक्यूमुलेट होता है, और कुछ में क्या होता है, गोल्ड, कुछ में क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एयू, है ना, गोल्ड को क्या बोलते हैं, एयू। कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं जिसमें सेलेनियम और गोल्ड का एक्यूमुलेशन होता है। आगे क्या दिया गया है, व्हाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम। तो कुछ प्लांट होते हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट, जहाँ पे न्यूक्लियर का टेस्ट होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे, वो उसी साइट पे वहीं पे उसी स्थान पे अगल बगल ग्रो करते हैं और उनमें फिर क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, जो प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट के साइट पे ग्रो होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम पाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, देयर आर टेक्निक डेट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, है ना, ये टेक्निक डिटेक्ट करती है मिनरल न्यूट्रिशन को, है ना, अगर ये कितने, इसकी कंसंट्रेशन बहुत लो कंसंट्रेशन, यानी 10^-8 ग्राम पर ml, है ना, इतनी कंसंट्रेशन तक, वेरी लो कंसंट्रेशन तक भी ये मिनरल को डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, आगे क्या है, दिस क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, क्या सारे के सारे डाइवर्स एलिमेंट जो होते हैं, मिनरल एलिमेंट होते हैं, वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, गोल्ड एंड सेलेनियम एज मेंशन अबव, है ना, यहाँ पे आपको बताया गया गोल्ड और सेलेनियम जो होते हैं ये बताया गया, कहाँ पे सेलेनियम कहाँ पे पाया जाता है और गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट टेस्ट होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट, इसमें क्या बताया गया, गोल्ड और सेलेनियम जो होते हैं ये क्या रियली नेसेसरी है प्लांट के लिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम बोलेंगे यस, इट इज द नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, हाउ वी डिसाइड डेट इज इसेंशियल फॉर प्लांट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लांट के लिए इसेंशियल हैं, है ना, और कौन से प्लांट के लिए इसेंशियल है, कौन प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या क्राइटेरिया दिया गया है, क्या क्राइटेरिया बताया गया है, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, इसेंशियलिटी के लिए हमको क्राइटेरिया दिया गया है। अब उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं, क्या बताई गई, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियली आर गिवन बिलो, नीचे बताया गया हमको पॉइंट बताए गए क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो भी एलिमेंट होना चाहिए वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी एलिमेंट हो वो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, उसकी ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करें। ठीक है, आगे क्या बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट
द प्लांट डू नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीट, है ना। और इस एलिमेंट की अगर कमी हो जाए तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए, है ना, प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए और ना ही वो सीड दे पाए, ना ही वो सीड दे पाए या ना उसमें सीड आ पाए। ठीक है, समझ गए कि जो एसेंशियल एलिमेंट हो उसके नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हो, अगर वो अब्सेंस हो जाए तो उसमें उसकी वजह से प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, सेकेंड में क्या बताया गया, बी में द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हो उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और डू नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। यानी किसी, मान लो सोडियम की कमी हो गई किसी चीज में, किसी प्लांट में सोडियम की कमी हो गई, तो सोडियम की कमी सिर्फ सोडियम से ही पूरी हो पाए, है ना, जब तक उसको सोडियम ना मिले तो उसकी कमी पूरी ना हो। ऐसा नहीं कि सोडियम की कमी है पोटेशियम आके पूरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमको बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट, है ना, स्पेसिफिक होनी चाहिए और अनदर एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। इन वर्ड्स, डिफिशिएंसी ऑफ इन एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेड बाई सप्लाई ऑफ सम अदर एलिमेंट। यही बताया गया कि हमको अगर किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट की सप्लाई करने से, दूसरे एलिमेंट को डालने से उसकी कमी पूरी ना हो, यही बताया गया है। ठीक है, सी में क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। जो एलिमेंट हो वो क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। मेटाबोलिज्म का फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज प्लांट ले, है ना, कोई भी चीज़ प्लांट यूज करे, ऑर्गेनिज्म यूज करे, तो उस यूज की हुई चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मेटाबॉलिज्म का यही काम होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, सीधा मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे और हमको बताए गए, अब इसके बेसिस पे क्या है ना, इन तीन पॉइंट के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द एबव क्राइटेरिया, बेस्ड अपॉन एबव क्राइटेरिया ओनली फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, है ना। इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी, एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। दीज एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरी, और इन एलिमेंट को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है बेस्ड ऑन देयर क्वान्टिटेटिव, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, क्या मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी में जरूरत हो रही है, कितनी मात्रा में जरूरत हो रही है, उसके बेसिस पे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। अब फर्स्ट क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्स्ट क्या है माइक्रो का मतलब क्या होता है ज्यादा। ठीक है, माइक्रो का मतलब ज्यादा होता है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है कम, है ना, माइक्रो का मतलब होता है कम, है ना, क्वांटिटेटिव के बेसिस पे कम ज़्यादा पे डिवाइड कर दिया गया है ना। अब क्या बताएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्जर अमाउंट, है ना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, है ना, ज़्यादा मात्रा में जरूरत होंगे, कितने पे होंगे, मोर देन 10 मिलीमोल किलो इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, है ना, ये बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेस बोला है, एक्सेस यानी मोर देन 10 मिलीमोल किलो इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, इतनी मात्रा में जरूरत होगी तो उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो क्या बताया गया हमको, क्या बताया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन कौन से आ गए, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, कौन कौन से आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, सल्फर आ गया, और क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गए, कितने हो गए, 9 हो गए, 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है,
और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। इसके लिए अब याद करने में दिक्कत होती है ना, याद करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक कौन सी होगी, वो ट्रिक होगी पीके का कौन सा मग, पी से आ गया फास्फोरस है ना, ओके से आ गया पोटेशियम, का मतलब कैल्शियम, और कौन से आ गया CHON, कौन सा यस से मतलब सल्फर, यम से मैग्नीशियम, यानी फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर मैग्नीशियम, कितने हो गए, 9 हो गए है ना, 9 हो गए, ठीक है, 9 ये हो गए कौन से माइक्रो वाले, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हो गए 9 हो गए, आप याद हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या दिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं, ये कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2O से है ना। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से ऑप्टेन होंगे, CO2 और H2O से आएंगे, ठीक है। और वाइल अदर आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन है ना, और अदर जो होते हैं इसके अलावा जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब होंगे एज मिनरल न्यूट्रिशन के तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया है। माइक्रो मतलब कम मात्रा में जरूरत होगी इसकी, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या बताया, कम मात्रा में जरूरत होगी। अब ये देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, आर नीड वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या वेरी स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, कितने स्मॉल अमाउंट में, इसकी क्राइटेरिया क्या दी गई थी वहां पे, वो यहाँ पे दिया गया लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर है ना, इतनी क्राइटेरिया होगी इनकी, इतने अमाउंट में जरूरत होगी इनकी, तो क्या बोलेंगे इनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे पूछ सकते हैं है ना, इसके अमाउंट की इतने अमाउंट में जरूरत होती है, ठीक है। क्या दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं, दीज इंक्लूड आयरन मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम जिंक बोरान क्लोरीन एंड निकिल, कौन कौन से आ गए, आयरन आ गया, जफी आ गया, मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, यमु, ठीक है, और क्या आ गया, जिंक आ गया और क्या आ गया, बोरान आ गया है ना, और क्या आ गया क्लोरीन आ गया, और क्या आ गया, निकिल आ गया, ठीक है, क्या गया, निकिल आ गया। इसमें 17 में कितने आए, 17 में कितने, 9 जो थे वो क्या थे, माइक्रो वाले थे, 9 जो थे वो माइक्रो वाले थे, और जो 8 थे वो कैसे थे, माइक्रो वाले थे, 8 जो थे माइक्रो वाले थे, ठीक है। अभी हमको बताया गया है, इन एडिशन टू द एसेंशियल एलिमेंट नेम अबव देयर आर सम बेनिफिशियल है ना, इसमें से एसेंशियल एलिमेंट 17 में से कुछ क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिसके बताए गए 17 एलिमेंट होते हैं, उनमें से कुछ कैसे होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। बेनिफिशियल में क्या हुए, कौन कौन से एलिमेंट हुए, सच एज सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सेलेनियम है ना, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हुए, सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया और सेलेनियम हो गया। तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक हो जाएगी, कोना सी से क्या हो गया, CCO से कोबाल्ट हो गया है ना, N से क्या हो गया, कोना से सोडियम हो गया, और क्या हो गया, सीसे से मतलब सिलिकॉन हो गया, और क्या हो गया, सेलेनियम हो गया ना, कोना सीसे से हम याद कर लेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट के नाम, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, ये जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड बाई हायर प्लांट, ये जो बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं किसको रिक्वायर होते हैं, किसकी जरूरत होती है, हायर प्लांट को जरूरत होती है इनकी, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट कैन बी
एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं आल्सो बी ग्रुप इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरी, एसेंशियल एलिमेंट को और चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, यानी उनके फंक्शन के बेसिस पे भी एसेंशियल एलिमेंट को चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है हमको बताया गया, आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हिन्स स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल, है ना, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इसके बायोमोलिक्यूल के, और क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल के होते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैसे होंगे, सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट होंगे, तो कौन कौन से होते हैं वो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी कौन जो होंगे, क्या होंगे, कौन कौन जो होंगे, इस तरीके से याद कर लेंगे, कौन से याद कर लेंगे, ये कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं ऑफ सेल के, ठीक है। अब सेकंड क्या बताया गया है, एसेंशियल एलिमेंट डेट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, है ना, वो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो किसमें जो कंपोनेंट हो, किसमें एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, प्लांट के एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड बनाए, वो कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में बताया गया मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल। जो मैग्नीशियम होता है एमजी, है ना, एमजी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल और कहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल और फास्फोरस जो पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाएगा, एटीपी पे। मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, और जो फास्फोरस पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, एटीपी पे, फास्फोरस एटीपी पे पाया जाएगा, और मैग्नीशियम जो होगा क्लोरोफिल पे पाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, एसेंशियल एलिमेंट डेट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम, कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और इनिबिट करते हैं, है ना, एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और इनिबिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है, मैग्नीशियम यानी एम जी प्लस टू एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को, क्या बोलते हैं, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, और फॉस्फोइनोइल, और आगे क्या बताया गया हमको, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, है ना, ये क्या हुआ, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, यानी जिसको पेपकेस बोलते हैं, पेपकेस, ठीक है, पेपकेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो होता है मैग्नीशियम होता है एक्टिवेट करता है दोनों एंजाइम को, रेबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज को, और क्या, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल, क्या है ये, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, क्रिटिकल एंजाइम हैं इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, है ना, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में दोनों के दोनों क्या हैं, ये क्रिटिकल एंजाइम हैं, ठीक है। आगे क्या है, जिंक जो जेडन प्लस टू होता है, जेडन प्लस टू इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना, जो जिंक होता है वो किसको एक्टिवेट करता है, जिंक एक्टिवेट करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, किसको, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। और जो मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म, है ना, जो मॉलिब्डेन होता है नाइट्रोजन को एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म, इस बात को याद रखेंगे। जो जिंक होता है एक्टिवेट करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, मॉलिब्डेन जो होता है एक्टिवेट करता है किसको, नाइट्रोजिनेज को ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, सेल एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को अल्टर कर लेते हैं, है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को अल्टर कर लेंगे, यानी ऑस्मोटिक मेंटेनेंस को गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, पोटेशियम प्ले रोल, इसमें क्या करता है, पोटेशियम जो होता है प्ले रोल करता है इंपॉर्टेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करेगा, जो पोटेशियम होगा, है ना, जिसको के बोलते हैं पोटेशियम, ये प्ले अपना रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। आगे क्या है, यू मे रिकॉल ए रोल ऑफ द मिनरल एंड सोल्यूट इन डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना, आप क्या वाटर पोटेंशियल ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल को डिटरमाइन करे, है ना, यही है पोटेशियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम और क्या हो गया, सोडियम, है ना, यानी प्लस टू के प्लस क्लिव के प्लस यानी प्लस, है ना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्लोरीन वगैरह भी मेंटेन करते हैं। एलिमेंट कितने थे, 17 एसेंशियल एलिमेंट थे, जिसमें क्या था, 9 जो थे वो माइक्रो थे, कैसे थे, माइक्रो थे, और जो 8 थे वो कैसे थे, 8 जो थे वो माइक्रो थे, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट हमने देख लिए थे, अब वही बताया गया है, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं परफॉर्म सेवरल फंक्शन, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल
इन द प्लांट सेल सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल, है ना, ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और परमेबिलिटी ऑफ सेल की परमेबिलिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप, सेल सेप का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, बफरिंग एक्शन में हेल्प करते हैं, है ना, बफरिंग एक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्शन में हेल्प करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करेंगे, एंड एक्ट एज ए मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल एज ए को एंजाइम, है ना, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्ट करते हैं मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेंगे और को एंजाइम के तरीके, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो, हमको बहुत नीचे क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी वेरियस टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट के नीचे दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या बताया गया हमको, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, ऐसे सभी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, माइक्रो है भाई, याद रखेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है, माइक्रो में सबसे ज़्यादा, है ना, माइक्रो में जितने माइक्रो के एलिमेंट हैं, पीके का कौन सा मग वाली ट्रिक से मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसके उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा क्या होगा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होगा प्लांट को, है ना। दिस इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर बाई प्लांट, एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट को ज़रूरत होती है इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। इट इज एब्जॉर्ब मेनली बाई नाइट्रेट, है ना, NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। ये मेनली अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो हम बोलेंगे मेनली अगर पूछा गया है तो नाइट्रेट के फॉर्म में बताएंगे, अगर पूछा गया किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनियम आयन के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है, हम तीनों बताएंगे, ठीक है। पर मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट, मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट, नाइट्रेट याद रखेंगे, मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट के बारे में बताएंगे। थ्रू सम आर आल्सो टेकन, और ये एब्जॉर्ब होता है किसके फॉर्म में, नाइट्राइट, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, और ये क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है, ये क्या है, N4+ अमोनियम आयन है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाई ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना, सारे के सारे प्लांट के पार्ट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पार्टिकुलरली, है ना, पार्टिकुलरली द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना, जिसमें कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, है ना, और मेटाबॉलिक एक्टिव सेल होती हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो प्लांट पूरे प्लांट के पार्ट को जरूरत होती है, बट जहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू होंगे और मेटाबॉलिक एक्टिव सेल होंगी, वहाँ पे ज़्यादा जरूरत होगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन, तो नाइट्रोजन कहाँ पे, प्रोटीन में भी पाया जाता है ना, मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, हार्मोन्स में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाएगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स में पाया जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है प्लांट को, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, फास्फोरस, किसके बारे में बताया गया है, फास्फोरस के बारे में बताया गया है। फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट फ्रॉम सॉयल, है ना, जो फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉयल से एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉयल से एब्जॉर्ब करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन, है ना, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। अब फॉस्फोरस आयन में क्या गया, ये क्या आएगा, डाई हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन, इस वजह से डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फास्फोरस होता है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना, फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनती है ना, और क्या, सर्टेन प्रोटीन में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, और क्या, सर्टेन बोला है, ऑल प्रोटीन नहीं बोला, सर्टेन यानी कुछ प्रोटीन में पाया जाएगा, कितने, कुछ प्रोटीन में पाया जाएगा, ऑल प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, और ऑल न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है, और न्यूक्लियोटाइड में,
है ना, ऑल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट तीन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। एंड इज रिक्वायर फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और ये कहाँ पे जरूरत होगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, इसके नाम से पता चला है फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट इसमें जरूरत होगा, फॉस्फोरस जरूरत होगा, ठीक है। समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। सर्टेन प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में और ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, ठीक है। किस किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फेट आयन में यानी डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। आगे क्या है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम को किससे डोनेट करते हैं हम लोग, कैसे डोनेट करते हैं, यानी के की वैलेंसी कितनी, एक, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम इट इज एब्जॉर्ब बाई पोटेशियम आयन, ये किस फॉर्म में, पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है इन प्लांट, ठीक है। दिस इज रिक्वायर इज मोर अबेंडेंट क्वान्टिटी इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना। इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जरूरत होती है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, है ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जरूरत होती है, बड्स में जरूरत होती है और लीव्स में जरूरत होती है, और कहाँ पे, रूट टिप पे, और कहाँ पे, रूट टिप पे, रूट टिप पे जरूरत होती है, रूट टिप पे क्या, मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। पोटेशियम हेल्प इन, पोटेशियम हेल्प क्या करता है, पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन द एनायन कटायन बैलेंस, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का बैलेंस, इसको बोलते हैं कटायन, पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, इसको बोलते हैं एनायन, है ना। इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करेगा, है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का बैलेंस मेंटेन करेगा, कहाँ पे, सेल में, है ना, प्लांट की सेल में एनायन कटायन का बैलेंस मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है ना, और क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है, जब ट्रांसपायरेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के टाइम, गैसियस एक्सचेंज के टाइम, है ना, गैसियस एक्सचेंज के टाइम यहाँ पे क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे क्या है, एक्टिवेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड मेंटेन द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेल, ये सेल को एक्टिवेट, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और ये सेल की ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करते हैं, है ना, सेल की ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करेंगे तभी स्टोमेटा वगैरह ओपन होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम भी हमारा क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम किस फॉर्म में प्लांट अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम प्लांट अब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम सॉइल, जो प्लांट होता है सॉइल से कैल्शियम अब्जॉर्ब करता है, फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन मतलब Ca+2 के फॉर्म में कैल्शियम जो होगा अब्जॉर्ब करेगा प्लांट सॉइल से, ठीक है। कैल्शियम इज रिक्वायर बाई मेरिस्टमेटिक, है ना, कैल्शियम कहाँ पे जरूरत होता है, कैल्शियम इज रिक्वायर बाई मेरिस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, है ना, जो कैल्शियम जरूरत होगी कहाँ पे जरूरत होगी, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में और कहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में, जो अपने टिश्यू अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जरूरत होगी, ठीक है। और कहाँ पे जरूरत होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, है ना, ये सेल डिवीजन में जरूरत होगी, और कहाँ पे होगी, जब सेल वॉल की सिंथेसिस होगी, है ना, और कहाँ पे, पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट मेरी लेमला में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेट जो सेल वॉल होती है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मेनली, अगर मेनली पूछा जाए तो कैल्शियम पैक्टेट और उसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, बट मेनली क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। और क्या है, इट इज ऑल्सो नीड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, और कहाँ पे जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत कहाँ पे होती है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम इसको समराइज बता देते हैं, कहाँ कहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है, है ना, ये सिंथेसिस सेल वॉल करेगा, है ना, कैल्शियम पैक्टेड मेरिडियल लेमला बनाएगा ये, ठीक है, और ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू को जरूरत होती है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को जरूरत होती है, और ये सेल डिवीजन के टाइम होता पाया जाता है ना, और क्या होता है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन में, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम में सी आया, और तो इससे क्या सेल वॉल आ जाएगा, हम लोग याद रखेंगे, और क्या सेल डिवीजन में याद रखेंगे, दोनों में सी आ रहा है, तो यानी सेल वॉल और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, बता देंगे आसानी से हम लोग, ठीक है। ये क्या है, इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, ये क्या होता है, ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट हो जाता है, इट एक्यूमुलेट ओल्डर लीफ, क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इमोबिलाइज है, क्या है, इमोबिलाइज, इमोबिलाइज है, यानी ये मूव नहीं कर पाता है ना, ये मूव नहीं कर पाता है। इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, इट इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आगे क्या है, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम, ये कुछ एंजाइम को
एक्टिवेट करता है और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ये सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये कैसा इमोबिलाइज एलिमेंट है, कैसा है इमोबिलाइज है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता, इसीलिए ओल्डर लिप पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है मैग्नीशियम के बारे में, किसके बारे में मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एमजी से, है ना, एमजी प्लस टू। ठीक है, क्या है, इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट एमजी प्लस टू, ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, किस फॉर्म में, एमजी प्लस टू के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। इट एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन, है ना, ये रिस्पायरेशन वाले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और डीएनए और आरएनए में सिंथेसिस में हेल्प करेगा, है ना, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी डाइमर फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, डाइमर फॉर्मेशन में आता है ये, डाइमर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम इज ए कंस्टिट्यूंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरोल रिंग पाई जाती है, वहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है एम जी प्लस टू होता है, ये सेंटर में पाया जाता है, है ना, सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। और क्या करता है, हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, और राइबोसोम स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने बताया डाइमर फॉर्मेशन तो वही होगा। ठीक है, आगे क्या है सल्फर। सल्फर क्या होता है, सल्फर प्लांट ऑप्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, है ना, प्लांट जो सल्फर को ऑप्टेन करेगा किस फॉर्म में करेगा, सल्फेट यानी SO4-2 के फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सल्फर इज प्रेजेंट इन टू अमीनो एसिड, सल्फर जो होता है दो अमीनो एसिड में पाया जाता है, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन और मिथियोनिन ऐसे अमीनो एसिड हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। हमसे पूछते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम, और ये कुछ कोएंजाइम का मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है, यानी इसका मुख्य हिस्सा होता है कोएंजाइम का, विटामिन का, है ना, विटामिन कौन कौन सी विटामिन आ गई इसमें, विटामिन में आ गई थियामिन, है ना, विटामिन में क्या आ गई थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, ये क्या है विटामिन हैं, और क्या है फेरोडॉक्सिन, है ना, फेरोडॉक्सिन में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको आयरन के बारे में, है ना, यफी, आयरन क्या है, यफी क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, है ना, ये क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो यफी होता है, यफी जो होता है ये सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में, है ना, माइक्रो में सबसे ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत होती है किसकी, यफी की, और माइक्रो में किसकी ज़रूरत थी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसके बारे में, यफी के बारे में देख लेते हैं। प्लांट ऑप्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, जो प्लांट ऑप्टेन आयरन करता है कहाँ से, सॉरी से, वो किस फॉर्म में, फेरिक आयन, एफी प्लस थ्री को क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। इट इज रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, ये अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंपेयर में लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ती है इसको प्लांट को। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द प्रोटीन, है ना, ये क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम, है ना, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट का होता है, प्रोटीन का कंस्टिट्यूंट होता है, जो कि कहाँ पे होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ठीक है, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज, ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, यानी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई इसकी। ठीक है, यानी Fe+2 से Fe+3 में चला गया, ये क्या है रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट एक्टिवेट कैटलाइज एंजाइम, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कैटलाइज एंजाइम को, ये बात याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये कैटलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब आगे क्या बताया गया हमको, मैग्नीज के बारे में बताया गया है, मैग्नीज इसको हम किससे डिनोट करते हैं,
यमन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नीज इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन, है ना, ये मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यानी यमन प्लस टू यानी मैग्नस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, या इस बात को याद रखेंगे किस फॉर्म में, मैग्नस आयन के फॉर्म में, ठीक है। इट एक्टिवेट मेनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, है ना, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और कहाँ पे, रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और क्या हो गया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कहाँ पे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसका क्या होता है, द बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन, जो इसका बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है, ऑफ मैग्नीज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लाइब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका एक फंक्शन क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है क्या, मैग्नीज। ये कहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होती है, पीएस सेकंड में होती है, पीएस सेकंड यानी फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड में होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज और क्लोरीन कैल्शियम वगैरह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैग्नीज भी हेल्प करता है, क्लोरीन भी हेल्प करता है, और क्या, कैल्शियम भी हेल्प करता है, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मेनली यहाँ पे फोटो पीएस सेकंड में इसका जो मेन होता है वो मैग्नीज होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, जिंक के बारे में, क्या बताया गया, जिंक के बारे में, प्लांट ऑब्टेन जिंक इन द फॉर्म ऑफ जिंक प्लस टू, ना जिंक प्लस टू आयन के फॉर्म में जिंक ऑब्टेन करती है। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, स्पेशली कार्बोक्सिलेज, स्पेशली कौन से एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नीड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ये ऑक्सिन की सिंथेसिस में ऑक्सिन और ट्रिप्टोफॉन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्या, जिंक, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया, कॉपर। इट इज एब्जॉर्ब एज क्यूप्रिक आयन, सीयू प्लस टू क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होता है। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इट इज इसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ये प्लांट की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, यानी वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, इस बात को याद रखेंगे। लाइक आयरन, आयरन की तरह ये क्या है, इट इज एसोसिएट विद सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम कॉपर टू कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसा आयरन था रिवर्सिबली क्या ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसी तरह क्या होता है, कॉपर भी होता है Cu+ से क्या Cu+2 में जा रहा है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu+2 से इसमें आ जाएगा Cu+1 में, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये किसकी तरह होता है, कॉपर आयरन की तरह, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया, बोरॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अच्छा खासा मिलेगा पढ़ने को। बोरॉन ये एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में, BO3-3 के फॉर्म में, और क्या BO4-O7-2 के फॉर्म में, इस बात को याद रखेंगे। अब ये BO3-3 और B4O7-2 क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरेट, इसको बोलते हैं बोरेट, है ना, इस वाले को BO3-3 को क्या बोलते हैं, बोरेट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट, क्या बोलते हैं, टेट्राबोरेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राबोरेट, यानी जो बोरॉन होता है वो एब्जॉर्ब होता है बोरेट और टेट्राबोरेट के फॉर्म में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बोरॉन इज रिक्वायर फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो बोरॉन होता है ये रिक्वायरमेंट होता है, किसके लिए जरूरत होता है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक के लिए क्या, बोरॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बोरॉन की डिफिशियंसी किसी प्लांट में हो गई तो वहाँ पे कैल्शियम की डिफिशियंसी होना मस्ट है, क्यों होगी, क्योंकि
बोरॉन ही क्या है, यूटिलाइजेशन और अपटेक का आता है कैल्शियम का। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, बोरॉन जो होता है रिक्वायरमेंट अपटेक ऑफ कैल्शियम यूटिलाइजेशन के लिए, और क्या है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, है ना, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए, यानी पोलन ट्यूब जो जर्मिनेट होगी उसके लिए, और क्या सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट कराने के लिए, और सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए, और क्या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए, और क्या सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए जरूरत होती है बोरान की। और ये यूटिलाइजेशन करता है, अपटेक कराता है इसका कैल्शियम का। अगर बोरान की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होना मस्ट है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है मॉलिब्डेनम, है ना, आगे क्या बताया गया है मॉलिब्डेनम, है ना, प्लांट ऑप्टेन मॉलिब्डेनम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयन, है ना, प्लांट जो ऑप्टेन करता है मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में ऑप्टेन करता है, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में, क्या होता है एम ओ ओ टू बी प्लस टू, ठीक है, ये मॉलिब्डेट आयन हो गया, इस फॉर्म में प्लांट ऑप्टेन करता है इसको। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, ये कुछ एंजाइम का कंपोनेंट होता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, है ना, ये नाइट्रोजिनेज कहाँ पे, नाइट्रोजिनेज, ठीक है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज कहाँ पे पाया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, और क्या है नाइट्रेट रिडक्टेस, है ना, कहाँ पे नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस, ये इसमें क्या कंपोनेंट होता है इन एंजाइम का, क्या मॉलिब्डेनम, ठीक है, बोथ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये नाइट्रोजिनेस और नाइट्रोजन रिडक्टेज कहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, आगे क्या बताया गया क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में बताया गया है, ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोरीन जो होती है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलके ये क्या करती है, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये हेल्प करती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने में, एनायन कटायन बैलेंस, और एनायन कटायन बैलेंस में हेल्प करती है, ठीक है, एनायन कटायन बैलेंस में हेल्प करती है। इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, और ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हेल्प करती है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर पीएच सेकंड में होता है, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे क्या होता है मैग्नीज आएगा और क्लोरीन आएगा और क्या आता है कैल्शियम आता है, ठीक है ना, ये क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर फोटो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, यानी पीएच सेकंड में, और क्या है ए रिएक्शन डेट लीड इन द ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ये फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जहाँ से ऑक्सीजन एलिमिनेट यानी निकले, ऑक्सीजन बने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। किसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, है ना, और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, क्या होता है लक्षण, यानी ये कमी हो गई किसी चीज की कमी, यानी एसेंशियल एलिमेंट की कमी होने से जो सिम्टम दिखे उसको क्या बोलते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है। सो व्हेनेवर, जब कभी द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड, जब कभी क्या होता है एसेंशियल एलिमेंट की जो सप्लाई होती है उसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, तो उसमें क्या होगा प्लांट की ग्रोथ होगी वो रिटार्डेड का मतलब हो गया रुक जाती है, क्या हो जाता है रुकना, रिटार्डेड का मतलब होता है रुकना, ठीक है। जब हम एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई क्या करेंगे लिमिटेड कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्ड इज टर्म एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो होता है जो वो कंसंट्रेशन जिससे एलिमेंट की मतलब प्लांट की ग्रोथ हो रिटार्ड हो जाए, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्ड, उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन की मतलब जिससे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट इज सेट टू बी डिफिशियंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना। अब इसमें मतलब क्या हुआ, यही हमको बताया गया कि जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे डिफिशियंट एलिमेंट बोलेंगे, है ना, जब वो अपने बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे होगा तो उसको क्या बोलेंगे डिफिशियंट एलिमेंट बोलेंगे। आगे क्या बताया गया है, सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल
रोल इन प्लांट है ना, प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होता है, प्रत्येक एसेंशियल एलिमेंट जो होता है उसके पास क्या होता है, एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल होते हैं किसमें, प्लांट की एक्टिविटी में। ठीक है, आगे क्या है, इन अब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अब्सेंस हो गया तो क्या करेगा, प्लांट सॉ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो प्लांट के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस दिखने लगेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंजेस यानी उसके बाहरी 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 रूप में है ना, बाहरी रूप रंग में, बाहरी रूप में यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो मॉर्फोलॉजी होगी उस पर चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, यानी प्लांट के चेहरे पे चेंजेस आने लगेंगे, सीधा सा मतलब है, शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी बेचारे की। ठीक है, आगे क्या है, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेट ऑफ सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसी एंड कॉल्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, है ना। और ये जो मॉर्फोलॉजी होगी उसकी प्लांट की शक्ल से पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट की कमी है, यानी वो प्लांट की शक्ल बता देगी कि इसमें एलिमेंट की कमी हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। आगे क्या है, डिफिशियंसी सिंड्रोम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, जो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं वो वेरी कर सकते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, है ना, यानी हर एलिमेंट का अलग अलग डिफिशियंसी सिंड्रोम हो सकता है ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स हो सकता है। एंड दे डिसअपीयर व्हेन डिफिशियंसी मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइड टू प्लांट, और उसके बाद क्या होता है, ये जो सिम्टम्स होगा क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, कौन सा, डिफिशियंसी सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएगा जब क्या कर देंगे हम लोग, वो न्यूट्रिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट को प्लांट को प्रोवाइड करा देंगे, है ना, वो मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को दे देंगे जिसकी कमी है, तो वो डिफिशियंसी सिम्टम खत्म हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है, हाउएवर इफ डिप्रेशन कंटिन्यूअस, है ना, अगर वो लगातार क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कमी ना, डिप्रीवेशन का मतलब होता है कमी, अगर उस चीज की बराबर लगातार कमी हो रही तो क्या होगा, मे इवेंचुअली लीड टू डेथ, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा, है ना, किसी चीज एसेंशियल एलिमेंट की लगातार कमी हो रही तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, जाहिर सी बात है यार। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लांट डेट और डिफिशियंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन ए प्लांट, है ना, जो प्लांट का पार्ट डिफिशियंसी सिम्टम्स शो कर रहा है ना, वो डिपेंड करता है इसमें मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट की, प्लांट में जो एलिमेंट पाया जा रहा है जिसकी कमी है वो क्या है, मोबाइल है या इमोबाइल है, ना, मोबाइल होगा तो वो ओल्डर लीफ से, ओल्डर पार्ट से ओल्ड टू यंग की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो इमोबाइल होगा वो ओल्ड पे ही एक्यूमुलेट रहेगा। ठीक है, क्या है, यही है, फॉर एलिमेंट डेट आर एक्टिवली मोबिलाइज, वो एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं विद इन द प्लांट, है ना, जो प्लांट में एक्टिवली मोबिलाइज होंगे तो वो क्या होते हैं, एक्सपोर्ट टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, वो कहाँ पे, यंग डेवलपिंग टिश्यू में भेज दिए जाते हैं, कौन से, एक्टिवली मोबिलाइज, है ना, एक्टिवली मोबिलाइज होंगे, कौन होंगे, मोबिलाइज, है ना, जो मोबाइल एलिमेंट होंगे वो कहाँ पे भेज दिए जाएंगे, एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, यंग डेवलपिंग टिश्यू में। ठीक है, आगे क्या है, द डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यू, है ना, तो ऐसे जो एक्टिवली मोबिलाइज टिश्यू होंगे, वो एलिमेंट होंगे, तो उनकी जो डिफिशियंसी कहाँ पे दिखेगी, फर्स्ट दिखेगी हमको ओल्डर टिश्यू पे, क्योंकि ओल्ड टिश्यू से ओल्ड पार्ट से कहाँ पे भेज दिए जाएंगे, यंग टिश्यू पे भेज दिए जाएंगे जो एक्टिवली मोबिलाइज एलिमेंट होंगे, है ना, तो यहाँ से ओल्ड पार्ट से चले जाएंगे तो कहाँ पे, यंग में जाएंगे तो ओल्ड में उनकी कमी हो जाएगी, तो यही बताया गया है, इनकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे वो दिखेंगे यहाँ पे हमको ओल्डर टिश्यू पे जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का डिफिशियंसी सिम्टम, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का कहाँ पे दिखता है, फर्स्ट दिखता है हमको सेनेसेंस लीफ का मतलब होता है ओल्ड, है ना, ओल्ड यानी ये क्या है, एक्टिवली मोबिलाइज हैं यानी नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम क्या हैं, एक्टिवली मोबिलाइज हैं, ये ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ओल्ड पार्ट में क्या हो जाएंगे, इनकी कमी हो जाएगी, तो फर्स्ट इसमें डिफिशियंसी सिंड्रोम सिम्टम दिखेंगे, कहाँ पे दिखेंगे, वो यंग सेनेसेंस लीफ में दिखेंगे इसके डिफिशियंसी सिम्टम, इस बात को याद रखेंगे। इन द ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन, मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल टू
मोबिलाइजिंग एंगल लीफ है ना। अब ये क्या होते हैं, एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं ओल्डर लीफ में क्या करते हैं बायो मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेनिंग करते हैं दीज एलिमेंट को, ब्रेक डाउन करते हैं उनका और क्या करते हैं मेकिंग इन एलिमेंट को अवेलेबल करते हैं किसके लिए, मोबाइल करने के लिए अवेल करते हैं यंग लीफ में, कि यंग लीफ में ये लोग मोबाइल होकर चले जाएँ। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, द डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू विद वेन एवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबिलाइज आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट मैच्योर ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे है ना, वो अगर जो फर्स्ट यंग टिश्यू में डिफिशियंसी सिम्टम दिख रहे हैं तो कैसे एलिमेंट होंगे जो क्या है रिलेटिवली इमोबिलाइज हैं, है ना, जो इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ पे सबसे पहले देखेगा वो यंग टिश्यू में देखेगा, क्योंकि ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में चीजें नहीं आ पाएंगी तो यंग पार्ट में उनकी कमी हो जाएगी। समझ गए होंगे आप, है ना, इनका मतलब यही बताया गया, इमोबिलाइज एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम मैच्योर ऑर्गन, और मैच्योर ऑर्गन से वो ट्रांसपोर्टेड नहीं की जाती, यानी मैच्योर ऑर्गन से यंग में नहीं भेजे जाते हैं तो क्या इनकी कमी हो जाएगी यंग में। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया हमको इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, सल्फर होता है और क्या होता है सल्फर और कैल्शियम जो होते हैं ये क्या है इमोबाइल हैं, यानी इनकी जो कमी दिखेगी सबसे पहले कहाँ पे दिखेगी, यंग पे दिखेगी। ठीक है, आगे क्या है, कैल्शियम एंड सल्फर आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल, है ना, ये इमोबाइल हैं तो मतलब ये क्यों मोबाइल नहीं है, उसका मतलब रीजन क्या है कि सल्फर और कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं सेल के, है ना, स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं सेल के, और इसी वजह से क्या होते हैं ये इजीली आसानी से रिलीज नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या है ये मोबाइल हैं। ठीक है, दिस एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, क्या होता है इसका मतलब पहलू, है ना, दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इस बेसिस पे क्या है मिनरल न्यूट्रिशन को जो है प्लांट में क्या है इस बेसिस पे मिनरल न्यूट्रिशन की जो है ग्रेट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है किसमें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ग्रेट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स साउंड इन प्लांट इंडिकेट क्लोरोसिस, है ना, किस किस टाइप के डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट में देखने को मिलते हैं तो वो क्या बताया गया, वो कौन कौन से हैं, क्लोरोसिस हो गया, स्टंट प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट की ग्रोथ रुक जाना, यानी इसको बोलते हैं रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, है ना, और क्या बोले प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ, यानी लीफ का समय आने से, मतलब जब एक मैच्योरिटी के में लीफ गिरती है, मैच्योर होने पे लीफ गिरती है तो मतलब मैच्योर ना हो पाए उसके पहले गिर जाए, इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ। आगे क्या है प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स, और क्या दिया गया है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इनहिबिट होगा, और क्या होगा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन इनहिबिट होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू ओलोइंग इन लीफ, है ना, यानी क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा क्लोरोसिस में और पत्तियां कैसी हो जाएंगी पीली हो जाएंगी, और ये क्लोरोसिस कौन कॉज करता है, दिस सिम्टम कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से क्लोरोसिस होता है, तो हमको क्या बताया गया है नाइट्रोजन बताया गया है, पोटेशियम बताया गया है, मैग्नीशियम बताया गया है, सल्फर बताया गया, यफी है और क्या है यमेन है और क्या है जिंक है और क्या है मॉलिब्डेनम है, ये जो हैं सारे के सारे एलिमेंट ये क्या कॉज कराते हैं क्लोरोसिस कॉज करवाते हैं, ये बात को याद रखेंगे कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया और क्या हो गया जिंक हो गया और क्या हो गया मोलिब्डेनम हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है क्लोरोसिस होता है। आगे क्या है लाइकवाइज नेक्रोसिस, अब नेक्रोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस तो देख लिया हम लोगों ने, इसी तरह नेक्रोसिस क्या होता है डेथ ऑफ टिश्यू, है ना, इसमें क्या हो टिश्यू की डेथ हो जाए, इसको क्या बोलते हैं नेक्रोसिस बोलते हैं, है ना, पार्टिकुलरली इसमें कौन से किस टिश्यू की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, है ना, इसमें क्या होगा नेक्रोसिस में किसकी किसकी कमी हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी,
मैग्नीशियम की हो जाएगी, कैल्शियम की हो जाएगी और पोटेशियम की हो जाएगी। किसकी किसकी? कॉपर की हो जाएगी, मैग्नीशियम की हो जाएगी और कैल्शियम की हो जाएगी और क्या पोटेशियम की हो जाएगी, यानी चार चीज़ों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली हम लिप टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और या फिर कमी हो जाए, है ना, इनकी डिफिशियंसी हो जाए या फिर कमी हो जाए और या फिर लो लेवल हो जाए, किसका किसका, नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर और मॉलिब्डेनम, है ना। और इसमें क्या है, ये हमको इसमें बताया कि अगर इन चीज़ की देखो नेक्रोसिस तो कॉज कर रहे थे, है ना, नेक्रोसिस कौन कौन से कॉज कर रहे हैं, नेक्रोसिस कौन कौन से कॉज कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम, ठीक है। ये बात खत्म हो गई कि नेक्रोसिस ये कॉज करते हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया, लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मॉलिब्डेनम ये क्या कॉज करते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, क्या करेंगे, सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, या तो इनकी कमी हो जाए या इनका लो लेवल हो जाए तो सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर और मॉलिब्डेनम, इस बात को याद रखेंगे, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, है ना। समटाइम सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम, है ना, जो नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम होते हैं ये क्या करते हैं, डिले फ्लोरिंग, है ना, क्या करते हैं, फ्लोरिंग को डिले करते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन सल्फर और मॉलिब्डेनम ये क्या करते हैं, फ्लोरिंग को डिले करते हैं। इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट लो, अगर इनकी कंसंट्रेशन प्लांट में लो होगी तो ये क्या करेंगे, फ्लोरिंग को डिले कर देंगे, फ्लोरिंग लेट आएगी, ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर और मॉलिब्डेनम। आगे क्या है, यू कैन सी फ्रॉम द एबव दैट इज डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स एंड दैट सेम सिम्टम्स मे बी कॉज बाई डिफिशिएंसी ऑफ वन सेवरल डिफरेंट एलिमेंट, है ना। अब इसमें क्या बताया गया कि आपने ये देखा है कि एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स कॉज कर सकता है, एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम कॉज कर सकता है, वही सेम सिम्टम दूसरा एलिमेंट भी कॉज कर सकता है, ठीक है। हेंस टू आइडेंटिफाई द डिफिशिएंसी एलिमेंट, इस वजह से डिफिशिएंसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वन हैज टू स्टडी ऑल सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट ऑल वेरियस प्लांट, है ना, तो हमको सारे के सारे डिफिशिएंसी एलिमेंट के सिम्टम को याद करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे प्लांट पार्ट्स के बारे में उनके कंपेयर करना होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। वी मस्ट आल्सो अवेयर डेट डिफिशिएंसी डिफरेंट प्लांट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिशिएंसी एंड डिफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना। हमको ये पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो उनकी कमी सेम एलिमेंट की वजह से हो सकती है, है ना, उनकी डिफिशिएंसी सेम एलिमेंट की वजह से हो सकती है। अब आगे हमको क्या बताया गया इसमें, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है कि उनकी टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है, द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ऑलवेज इन लो अमाउंट, है ना। अब ये हमको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी अमाउंट लो अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। आगे क्या है, व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज, अगर लो अमाउंट में ज़रूरत होती है, अगर इनका मॉडरेट डिक्रीज हो गया, अगर थोड़ा भी डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, इनमें कॉज हो जाएगी डिफिशिएंसी सिम्टम्स, है ना। अगर मॉडरेट डिक्रीज हो गया तो इनमें डिफिशिएंसी सिम्टम्स कॉज हो जाएगा, अगर मॉडरेट इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बड़ा खतरनाक सिस्टम है यार यहाँ पे, है ना। अगर इनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं तो हमेशा लो अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, अगर इनका थोड़ा सा भी बढ़ गया या घट गया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर थोड़ा सा मॉडरेट डिक्रीज हो गया तो डिफिशियंसी हो जाएगी और मॉडरेट इंक्रीज हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इन अदर वर्ड देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट आर ऑप्टिमम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, नैरो रेंज की कंसंट्रेशन होती है जो एलिमेंट ऑप्टिमम होती है, ऑप्टिमम के लिए नैरो रेंज कंसंट्रेशन होती है। आगे क्या है, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू डेट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाई 10% कंसाइडर टॉक्सिक। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया गया, क्राइटेरिया क्या बताया गया, मिनरल किसी भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन अगर किसी प्लांट का, है ना, रिड्यूस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू का ड्राई वेट रिड्यूस कर रही है कितने परसेंटेज, 10%, है ना, किसी टिश्यू का ड्राई वेट 10% रिड्यूस कर रही है तो उसको क्या हम लोग कंसाइडर करते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, वो टॉक्सिक होगा। आगे क्या है, सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली एमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है ये वेरी वाइडली क्या करती है, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में
अलग अलग हो सकती है, ठीक है। द टॉक्सिक सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, इनको हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसको, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को, ठीक है। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट, है ना, ये टॉक्सिसिटी जो लेवल होता है ये भी वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में, है ना, अलग अलग प्लांट में इसका अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल हो सकता है। क्या है, मेनी ए टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ द एलिमेंट, है ना, कभी कभी टाइम बहुत समय बहुत बहुत टाइम क्या हो जाता है कि अगर किसी चीज की किसी एलिमेंट का हम एक्सेस में दे देंगे, है ना, किसी एलिमेंट की हम प्लांट को एक्सेस में सप्लाई कर देंगे दे देंगे तो क्या करेगा वो, दूसरे का अपटेक इनहिबिट कर देगा भाई, है ना, किसी एक की अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो वो क्या दूसरे को, दूसरे का अपटेक यानी प्लांट दूसरे को फिर ले नहीं पाएगा, है ना, दूसरे एलिमेंट को ले नहीं पाएगा, तो इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को इनहिबिट कर देगा उसका अपटेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या बताया गया है, द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज, है ना, इसका बताया प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है, इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग माइक्रोटिक बिन, है ना, जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है क्या अपीयर करता है, ये ब्राउन स्पॉट बनाता है कहाँ पे, क्लोरोटिक बेन के, है ना, चारों तरफ क्लोरोटिक बेन की तरफ कैसा स्पॉट बनाएगा, ब्राउन स्पॉट, याद रखेंगे कैसा स्पॉट होगा, ब्राउन स्पॉट अराउंड द सराउंडिंग द क्लोरोटिक बेन, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, ये महत्वपूर्ण है जानने के लिए क्या, कि मैग्नीज जो होता है वो क्या करता है, कंपटीशन करता है, किससे कंपटीट करता है, मैग्नीज कंपटीट विथ आयरन, मैग्नीज किससे किससे कंपटीट करेगा, यानी यमन जो होगा किससे किससे करेगा, आयरन से और मैग्नीशियम से कंपटीट करता है, मैग्नीज जो होगा आयरन और मैग्नीशियम से कंपटीट करेगा, फॉर किसके लिए, अपटेक एंड बिट मैग्नीशियम, ये उसके अपटेक के लिए, है ना, आयरन और मैग्नीशियम के फॉर अपटेक के लिए, किसके, बाइंडिंग विथ एंजाइम, है ना, अपटेक एंड विथ बाइंडिंग फॉर मैग्नीशियम, बाइंडिंग फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, है ना, मैग्नीशियम से बाइंडिंग के लिए, मतलब एंजाइम से बाइंडिंग के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, बात को याद रखेंगे कि जो मैग्नीज होता है वो आयरन और मैग्नीशियम से कंप्लीट करता है फॉर अपटेक एंड मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, ठीक है। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट, मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स, मैग्नीज जो करता है वो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन सूट अपेक्स में ये भी इनहिबिट करता है, इस बात को भी याद रखेंगे कि क्या करता है, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है, इनहिबिट कर देगा कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन, इनहिबिट कर देगा सूट अपेक्स में, ठीक है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज, इस वजह से अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई, एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट रिड्यूस डिफिशेंसी ऑफ आयरन, डिफिशेंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना, अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई, मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएंगे, डिफिशेंसी सिंड्रोम किसके किसके दिखने लगेंगे, आयरन के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, किसके किसके, आयरन के, मैग्नीशियम के और किसके, कैल्शियम के, अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हुई तो भाई तीनों का खेल खराब कर देगा ये, ठीक है, बहुत खतरनाक आइटम है ये। आगे क्या दिया गया है, दस व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी डिफिशेंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज का डिफिशेंसी सिम्टम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक्चुअली डिफिशेंसी सिम्टम किसके किसके हो जाएंगे, आयरन के हो जाएंगे, मैग्नीशियम के हो जाएंगे, कैल्शियम के हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप कि मैग्नीज का जो डिफिशेंसी सिम्टम्स होगा तो उसकी वजह से तीन चीज़ों के डिफिशेंसी सिम्टम्स दिखेंगे, आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम के, है ना। कैन दिस नॉलेज बी सम इम्पॉर्टेंस टू फार्मर, ये क्या, ये जो है नॉलेज फार्मर को होना जरूरी है, तो हाँ फार्मर को होना जरूरी है, गार्डनर को होना जरूरी है जो बगीचे में काम करते हैं, और इवन फॉर यू योर किचन गार्डन, है ना, या चाहे आपका घर का बगीचा हो, यानी घर में जो आप बगीचा बनाए हैं, छोटा सा गार्डन बनाए आप वो करते हैं, तो सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया हमको, आगे क्या बताया गया, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को किस मैकेनिज्म से
एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये बताया गया है। देख लेते हैं क्या लिखा गया है। मच द हिस्ट्री, मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट बाई प्लांट हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल टिश्यू और ऑर्गन, है ना। इसमें क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, प्लांट एलिमेंट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए, है ना, उसको समझने के लिए क्या है, आइसोलेटेड सेल और टिश्यू ऑर्गन के बारे में समझना जरूरी है ना। प्लांट के टिश्यू ऑर्गन ये कैरी आउट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, चीजों का। आगे क्या है, दीज स्टडी रिवेल डेट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इंटू टू मेन फेसेस, है ना। इस वजह से क्या है, ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इसमें कैसे दो फेस होते हैं, दो फेस कौन कौन से होते हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। एपोप्लास्ट क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है, एपोप्लास्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, इंट्रासेलुलर की चीजें यहाँ से जाती हैं, और जो सिम्प्लास्ट होता है वो लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है प्लाज्मा डेसमेटा के थ्रू, तो वो होता है सिम्प्लास्ट। तो यही बताया गया है, एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इंटू टू फेसेस। फर्स्ट फेस जो होता है एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन, है ना। इनिशियल क्या होता है, ये रैपिड अपटेक ऑफ आयन, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस से चीजें जाती हैं, से इंटरसेलुलर स्पेस से चीजें जाएंगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट बोलेंगे। एपोप्लास्ट जो होता है कैसा होता है, पैसिव होता है, एपोप्लास्ट पैसिव होता है, फास्ट होता है, और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, फास्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और सेकंड क्या है, द सेकंड फेज ऑफ अपटेक, अपटेक का सेकंड फेज क्या है, द आयन आर टेकन इन स्लोली, जो आयन होते हैं सिम्प्लास्ट होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, सिम में यस आया और ये क्या होगा, स्लो होगा। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें इंटर स्पेस होंगे, जो कि सिम्प्लास्ट सेल में इंटर स्पेस होंगे, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है, इस वजह से स्लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस आते हैं, बैरियर्स आते हैं, इस वजह से ये स्लो हो जाता है, ठीक है। हिपोप्लास्ट हो गया, सेकंड क्या है, द आयन आर टेकन स्लो इनटू द इनर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, सिम्प्लास्ट ऑफ सेल बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट अकर्स यूजली आयन चैनल, जो पैसिव मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट के थ्रू, आयन्स का वो कैसे होता है, आयन चैनल के थ्रू होता है पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं डेड फंक्शन सिलेक्टिव पोर्स, है ना, जिनका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, वो सिलेक्टिव पोर बनाती हैं, है ना, सिलेक्टिव पोर फंक्शन है, सिलेक्टिव पोर के तरीके काम करती हैं। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, और जो सिम्प्लास्ट में होगा वो कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। अगर यहाँ से चीजें आएंगी जाएंगी तो उसके लिए क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी एटीपी लगाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें सिम्प्लास्टिक में होती हैं जाएंगी, ठीक है। आगे क्या है, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, जो सिम्प्लास्टिक होता है कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे एनर्जी का खर्च करना पड़ता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजली कॉल्ड फ्लक्स, मूवमेंट ऑफ आयन को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स में दो चीजें आ गई, ई फ्लक्स और इनफ्लक्स। अगर चीजें बाहर जा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स बोलेंगे, और अगर चीजें अंदर आ रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलेंगे। ई मतलब एग्जिट और इन का मतलब अंदर, तो यानी इफ्लक्स का मतलब बाहर और इन का फ्लक्स का मतलब अंदर, ठीक है। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इफ्लक्स, यहाँ पे बताया गया, अंदर का मूवमेंट होगा सेल में तो उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलेंगे, और आउटवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। यू हैव रीड द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन चैप्टर 11, आपने मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन चैप्टर में 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट कैसे होते हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेशन आगे क्या हमको बताया गया है, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, है ना, अब सोल्यूट क्या है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो मिनरल साल्ट क्या होते हैं,
मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम। हाँ, जो मिनरल साल्ट होते हैं वो कहाँ से, जाइलम के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेटेड होते हैं मिनरल साल्ट। अलॉन्ग विथ एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, एसेंडिंग स्ट्रीम का मतलब, एसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर। जो जाइलम का काम होता है, रूट से चीजों को कहाँ ले जाएगा, रूट से पानी मिनरल को ले जाएगा कहाँ पे, स्टेम में, है ना, रूट से स्टेम में ले जाएगा, लीफ में पहुंचाएगा, हर जगह ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है, मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेट थ्रू जाइलम अलॉन्ग विथ एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, विच इज पुल्ड अप, है ना, जो क्या होता है, पुल्ड होता है, खींचा जाता है, जाइलम के द्वारा खींचा जाता है थ्रू द प्लांट बाई ट्रांसपिरेशन एंड पुल, है ना, जो जो चीजें हैं ये प्लांट के द्वारा खींची जाएंगी, है ना, बाई, इसको क्या बोले हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल बोल रहे हैं। इसमें कौन सा, जाइलम इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, अगर हम जाइलम सैप की एनालिसिस करें तो हम क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ द मिनरल साल्ट, तो उसमें क्या देखेंगे, मिनरल साल्ट देखेंगे। ठीक है, मिनरल साल्ट देखेंगे जो कि यूज होते हैं कहाँ पे, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट आर सस्टेनेटेड टू व्यू डेट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, है ना, ये रेडियो एक्टिव मिनरल जो होते हैं इसका यूज करते हैं, इससे फिर पता चलता है कि जो जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, मेनली होगा तो H2O करेगा, मिनरल करेगा, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन वगैरह और हार्मोन्स वगैरह ये ट्रांसलोकेट करता है, बट मेनली क्या होता है, मिनरल और वाटर। ठीक है, आगे हमको ये बताया गया, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आगे क्या बताया गया, सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जो सॉइल होती है वो रिजर्वायर होती है एसेंशियल एलिमेंट की, है ना, इसमें सॉइल में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे, ये इकट्ठे होंगे। ठीक है, आगे क्या बताया, इसमें क्या बताया गया हमको, मेजोरिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट डेट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकम अवेलेबल टू रूट ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजोरिटी ऑफ ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, है ना, अवेलेबल टू रूट, वो रूट को कहाँ से मिलते हैं, ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस, है ना, वेदरिंग प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। जब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक और वेदरिंग प्रोसेस होगा तो हमको एसेंशियल एलिमेंट होंगे वो मिलेंगे, प्लांट को मिलेंगे, और प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो कि जरूरत होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आप समझ गए होंगे, आगे क्या है, दीज प्रोसेस इनरिच द सॉइल विथ डिजॉल्व आयन इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और ये जो होते हैं सॉइल में डिजॉल्व होते हैं, ये सॉइल में डिजॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक आयन डिजॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। क्या है, सिंस दे आर ड्राइवन फ्रॉम द रॉक, सिंस दे आर ड्राइवन फ्रॉम द रॉक मिनरल, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिएंट टू रिफर एज द मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, मिनरल रॉक से, कहाँ से, रॉक मिनरल, दे सिंस ड्राइवन फ्रॉम रॉक मिनरल्स और देयर रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में क्या इनका रोल होता है, रिफर एज मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये मिनरल न्यूट्रिशन से प्लांट में इनका क्या रोल होगा, मिनरल न्यूट्रिशन का काम करेंगे। ये कहाँ से, रॉक से लिए जाते हैं और प्लांट में न्यूट्रिशन के तरीके काम करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन बोलेंगे। आगे क्या बताया गया है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सबस्टेंट, जो सॉइल होती है वो वाइड वैरायटी ऑफ सबस्टेंट को कंसिस्ट करती है, है ना, उसमें क्या होते हैं, सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स, सॉइल सिर्फ मिनरल को सप्लाई नहीं करती है, सॉइल नॉट सप्लाई ओनली मिनरल्स, है ना, सॉइल सिर्फ मिनरल को सप्लाई नहीं करती है, बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बट इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अदर माइक्रोब्स होते हैं, है ना, और सॉइल क्या करती है, होल्ड वाटर, सॉइल क्या करेगी, पानी को पकड़ के रखेगी, होल्ड वाटर, और क्या करेगी, सप्लाई एयर टू रूट, और रूट को क्या करेगी, एयर सप्लाई करेगी, और क्या करेगी, एक्ट एज ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के तरीके एक्ट करेगी जहाँ पे प्लांट की रूट उसमें स्टेबलाइज हो जाए, है ना, डेड स्टेबलाइज और प्लांट, यानी जिसमें प्लांट स्टेबलाइज हो जाए। सॉइल के बहुत सारे काम हो गए, कौन कौन से काम हो गए, कि ये सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, ये वाटर को पकड़ के रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और ये रूट को एयर सप्लाई करती है, रूट को एयर सप्लाई करती है, और मैट्रिक्स के तरीके एक्ट करती है जिसमें प्लांट अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। ठीक है, सिंस डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स,
सिंस डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, है ना, एसेंशियल मिनरल की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या क्रॉप की यील्ड जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पैदावार जो होगी अफेक्ट हो जाएगी। आगे क्या है, देयर इज ऑफ्टन ए नीड टू सप्लाई देम थ्रू फर्टिलाइजर, फिर हमको क्या होता है उसमें, इस वजह से हमको उसमें एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई करना पड़ता है थ्रू एज फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर के रूप में इनकी सप्लाई करना पड़ता है, मतलब प्लांट को देना पड़ता है। बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आ गए, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होंगे कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, ये क्या हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यफी हो गया, येमिन हो गया, ये क्या हुए, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, है ना, ये प्लांट को बहुत माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों सप्लाई ये देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। एक जो फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर का कंपोनेंट होते हैं। आर अप्लाइड पर नीड और जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ए पार्ट मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रीवेलेंट, यानी प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, क्या होता है, प्रचलित, यानी जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट प्रचलित एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स, यानी जो नाइट्रोजन है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे अपना योगदान प्रोवाइड कराता है, वो होते हैं नाइट्रोजन कहाँ अमीनो एसिड में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, और कहाँ हार्मोन्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और कहाँ मेनी ऑफ द विटामिन और विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मैंने रोल ऑफ माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बताया था आपको कि नाइट्रोजन जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया गया है, प्लांट कंप्लीट विद माइक्रोब, प्लांट कंप्लीट विद माइक्रोब फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन डेट इज अवेलेबल इन सॉइल, है ना, जो प्लांट होता है वो माइक्रोब से कंप्लीट करता है, यानी माइक्रोब से कंपटीशन करता है किसके लिए, क्योंकि जो लिमिटेड ऑक्सीजन है वो सॉइल में कितने लिमिटेड मात्रा में है ना, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में लिमिटेड है, सॉइल में क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है यानी लिमिट में प्रेजेंट है, इस वजह से प्लांट जो करता है कंपटीशन करता है माइक्रोब से, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, दस नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, यानी इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है, इसी वजह से प्लांट और माइक्रोब के बीच कंपटीशन होता है, तो इसी वजह से क्या बोला गया, जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है किसके लिए, बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए, जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। आगे क्या बताया गया है, नाइट्रोजन एग्जिट एज टू नाइट्रोजन एटम, है ना, नाइट्रोजन एग्जिट होता है वो टू नाइट्रोजन एटम होते हैं उनके फॉर्म में एग्जिट होता है, और क्या होता है वो किससे जुड़े होते हैं, है ना, वो जुड़े होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, वो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनके इनको तोड़ने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, है ना, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमको यहाँ पे बताया गया है, इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जो प्रकृति में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, लाइटनिंग है, वो उतनी इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं कि नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके, नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। आगे क्या है इसमें, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनका नाम क्या है, यूनो का क्या होता है, यूनो को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, यूनो को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, और यूनोटो को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, है ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, यूनो को, यूनोटो को, यूनोटो को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो N2O होता है इसको क्या बोलते हैं, N2O को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, लॉफिंग गैस बोलते हैं, तीन नाम हो गए याद रखेंगे। आगे क्या है,
इंडस्ट्रियल कम्बसन यानी जो इंडस्ट्रियल से कम्बसन निकलता है, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन आर आल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ये जो चीज़ें हैं कौन कौन से, इंडस्ट्रियल कम्बसन हो गया, और क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, पावर जनरेटिंग स्टेशन हो गए, ये क्या सोर्स होते हैं, किसका सोर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकती है, वो डेड प्लांट्स में हो सकती है, एनिमल में, बायोमास में हो सकती है, इनटू अमोनिया, है ना। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट होना, NH3 में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर में वो प्लांट हो सकता है डेड और एनिमल हो सकता है ना, तो उसमें किस टाइप की नाइट्रोजन होगी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी। अब वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइल एंड री इंटर द एटमॉस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इट कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट बाई सॉइल बैक्टीरिया इन फॉलोइंग स्टेप, है ना। कि जो होती है, कुछ अमोनिया होती है वो कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, कुछ अमोनिया कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, यानी वो उड़ जाएगी, क्या करेगी, उड़ जाएगी, है ना। तो वो कहाँ चली जाएगी, री इंटर एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में फिर से री इंटर हो जाएगी, फिर से पुनः प्रवेश हो जाएगी। बट ज़्यादातर जो होती है, मोस्ट ऑफ द अमोनिया क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नाइट्रेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में, इस बात को याद रखेंगे, बाय सॉयल, सॉयल के द्वारा, सॉयल में जो बैक्टीरिया होंगे वो मोस्ट ऑफ द अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या हमको स्टेप बताए गए, रिएक्शन बताई गई, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया हमको, अमोनिया है ना, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 2NO2, क्या बना रहे हैं, 2NO2, 2NO2, इसको क्या बोलते हैं हम, NO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं ना, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, टू वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, नाइट्राइड फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, क्या बना देगा, नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना। तो पहले अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, उसके बाद नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या बताया गया, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज, अमोनिया क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और जब हाइड्रोजन आता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, यानी रिड्यूस होगा चीज़ें, है ना। तो ये बात तो पता होगी आप सभी को, ठीक है। अमोनिया जो होती है फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, अमोनिया जो होगी फर्स्ट ऑक्सीडाइज होगी किसमें, नाइट्राइट में, बाई बैक्टीरिया, यानी इसमें जो बैक्टीरिया होगा कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास, कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास, इसी का और नाम होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। सो क्या हुआ, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज, नाइट्राइट होगा फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा टू नाइट्रेट, इसमें होता है NO3 में, है ना, NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, है ना, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होगा नाइट्रोबैक्टर, कौन सा बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोबैक्टर, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही थी तो वहाँ पे नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास था, बट जब नाइट्रेट सॉरी जब नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ से कौन सा बैक्टीरिया था, नाइट्रोबैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये बैक्टीरिया के नाम पूछ लेते हैं और स्टेप पूछ लेते हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। सो क्या है, दीज स्टेप आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, तो इन स्टेप दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों स्टेप को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के स्टेप क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें कौन से बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं उनके प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ, ये जो बैक्टीरिया हैं कौन से, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ये कैसे बैक्टीरिया हैं, ये कैसे बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है ये केमिकल को यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, केमिकल को, इनके नाम में केमिस्ट्री वर्ड यूज हो गया, केमिकल वर्ड यूज हो गया, तो इस वजह से क्या हुए, कीमो ऑटोट्रॉफ हो गए, ठीक है, यानी अपने केमिकल से भोजन बनाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, द
नाइट्रेट द फॉर्म इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट, ना जो नाइट्रेट बनता है और फिर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू लीफ, है ना, और फिर इसको लीफ में भेज दिया जाता है, है ना। यही बताया गया है जो नाइट्रेट बनता है ना, फॉर्म होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, और फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेड करते हैं टू द लीफ, लीफ को ट्रांसपोर्टेड कर देते हैं यानी भेज देते हैं। इन लीफ, लीफ में क्या होता है, इन लीफ इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, है ना, ये फिर लीफ में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और अमोनिया बनाता है, डेट इज फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, और फिर लीफ में ये क्या हो जाएगा, ये लीफ में रिड्यूस हो जाएगा, अमोनिया बनाएगा, है ना, जिसमें फिर ये अमोनिया फाइनली किस में बन जाती है, ये अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में अमाइन ग्रुप बनाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे क्या बताया गया है, नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी नाइट्रेट का क्या फार्मूला था, NO3-3, ठीक है, ये था नाइट्रेट का, है ना। नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाई, है ना, जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होगा वो भी रिड्यूस होता है ना, वो भी रिड्यूस होता है, नाइट्रेट प्रेजेंट सॉइल आल्सो रिड्यूस बाई द रिड्यूस टू नाइट्रोजन, यानी NO3 किसमें रिड्यूस हो रहा है, NO3N2 में जा रहा है, NO3N2 में जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, इस बात को याद रखेंगे सारे, ये प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन में, उसमें प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाई बैक्टीरिया, यानी ये इंपॉर्टेंट है, जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसमें बैक्टीरिया कौन से होते हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस होते हैं, इस बात को इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, फिगर दिखाया गया हमको 12.3 फिगर में कुछ बताया गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। उसमें क्या है, उसमें क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल फॉर्मिंग रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेन नाइट्रोजन पुल्स, है ना, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो रिलेशनशिप शो कर रही है किसमें, थ्री मेन पुल जहाँ से नाइट्रोजन आएगी, कौन कौन से हैं वो, क्या है नाइट्रोजन पुल, कौन, एटमॉस्फियर है, सॉइल है, और क्या है, बायोमास है। ठीक है, अब एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन है वो क्या, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो क्या, अमोनिया, है ना, किसमें जाएगी, अमोनिया में जाएगी। ठीक है, अमोनिया बनाएगी, और अमोनिया भी कन्वर्ट किसमें चला जाएगा, अमोनिया किसमें जाएगा, नाइट्राइट में, किसमें जाएगा, नाइट्राइट, ये क्या था, नाइट्राइट था, इस बात को याद रखेंगे। और नाइट्राइट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट में, है ना, तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आया, नाइट्रोबैक्टर आया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया आया, नाइट्रोबैक्टर आया, और अमोनिया से नाइट्राइट बनना था तो नाइट्रोसोमोनास और या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया था, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, सॉइल के पूल हैं, है ना, सॉइल नाइट्रोजन पूल हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उससे क्या बना, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बना, यहाँ पे नाइट्रेट बना, क्या बना, नाइट्रेट बना। ठीक है, और आगे इसमें क्या बताया गया हमको, ये सब नाइट्रेट का, नाइट्रेट बन गया तो ये प्लांट इसको अपटेक कर लेगा, है ना, अपटेक कर लेगा यानी ले लेगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्लांट जो बायोमास बना और जो एनिमल का बायोमास हुआ, इसमें कौन सी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी, कौन सी होगी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जब डिकेइंग हो जाएंगे, है ना, इनका बायोमास डिके हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला था, इस प्रोसेस को क्या बोला, यानी जब इनका बायोमास डिकेइंग हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया में, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, है ना, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखते हैं, हमने नाइट्रोजन साइकिल तो पढ़ लिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 अवेलेबल अबंडेंटली इन एयर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत वेरी फ्यू, कुछ ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं उसके जो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है यानी एयर में प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, N2 के फॉर्म में, तो ऐसे कुछ ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, है ना, सिर्फ कुछ सर्टेन, इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से हमसे पूछ लेता है कि सर्टेन, या हम यहाँ क्या बताएं, ओनली सर्टेन
प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिर्फ ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीशीज होती हैं, है ना। प्रोकैरियोट की कुछ स्पीशीज होंगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ओनली सर्टेन या फिर आल, तो हम क्या बोलेंगे, आल नहीं होता है, ओनली सर्टेन होगा तो हम उसको आंसर सही करेंगे, या सम प्रोकैरियोट स्पीशीज होगा तो हम उसको आंसर सही कर सकेंगे, बट आल प्रोकैरियोट स्पीशीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, यानी अमोनिया का क्या हो, रिडक्शन हो, है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, है ना, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्रोजन का रिडक्शन हो अमोनिया में, है ना, रिडक्शन टू अमोनिया, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो यानी वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिया गया। अब क्या है, यहाँ पे एंजाइम होते हैं, द एंजाइम नाइट्रोजनेस, कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेस, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है, द एंजाइम विच इज कैपेबल टू नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, है ना, जो नाइट्रोजनेस एंजाइम पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, सिर्फ में सिर्फ प्रोकैरियोट स्पीशीज में पाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो नाइट्रोजन एंजाइम होगा वो नाइट्रोजन के रिडक्शन में हेल्प करता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोकैरियोट की स्पीशीज में, सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीशीज में, ठीक है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड यंटू फिक्सर, तो ऐसे माइक्रोब को क्या बोलते हैं, यंटू फिक्सर बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यंटू फिक्सर बोलेंगे माइक्रोब्स, ठीक है। अब क्या है, ये नाइट्रोजन है यानी यंटू है, और यंटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, यंटू कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, अमोनिया में, तो यहाँ पे जो एंजाइम आया कैसा आया, नाइट्रोजनेस एंजाइम आया, इस बात को इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, ठीक है। द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ना जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, है ना, या क्या हो, वो फ्री लिविंग हो या फिर सिम्बायोटिक हो, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, किसी के साथ, किसी के साथ, है ना, किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे तो इसको सिम्बायोटिक बोल देंगे, और फ्री लिविंग मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेज में अपने अकेले रहेंगे, आराम से जीवन जियेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्री लिविंग, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन एरोबिक माइक्रोब्स, है ना, फ्री लिविंग होंगे, कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब, है ना, यहाँ एरोबिक बोला गया यानी इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में O2 की जरूरत होगी, है ना, O2 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या बोला गया, एरोबिक माइक्रोब, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये काम करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल क्या बताया गया हमको, एजोटोबैक्टर, क्या बताया गया, एजोटोबैक्टर, और क्या बताया गया, एक एग्जाम्पल और है, इसको क्या बोलते हैं, बीजर्निकिया, क्या बोलते हैं, बीजर्निकिया, एजोटोबैक्टर और बीजर्निकिया क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, है ना, फ्री लिविंग, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वाइल्ड रोडो स्पायरुलम, जो रोडो स्पायरुलम होता है वो कैसा है, एनरोबिक है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरोबिक एनरोबिक क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन से, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी बहुत रहती है, ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए इसको, यानी इसमें क्या था, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक बैक्टीरिया थे कौन कौन से, एजोटोबैक्टर था वो क्या था, बीजर्निकिया था, और जो रोडोस्पायरुलम था वो कैसा है, एनरोबिक है, एनरोबिक एंड फ्री लिविंग है, एनरोबिक एंड फ्री लिविंग है, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, O2 की जरूरत क्या है, नहीं होगी, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा क्या है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्या आया, साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक और इनामिना है, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, आल्सो क्या होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं, कौन कौन से, एनाबिना और नॉस्टॉक, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एनाबिना होता है, एनाबिना होता है किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सो हम बोलेंगे एजोला के साथ में, किसके साथ में, एजोला के साथ में, है ना, एजोला के साथ में क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये बात याद रखेंगे। जो एनाबिना होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, यूज इन राइस कल्चर, है ना, ये जो एनाबिना होगा
राइस किसमें, राइस कल्टीवेशन में, राइस कल्टीवेशन में, राइस कल्टीवेशन में इसको यूज करते हैं एनाबिना को, ठीक है। और एजोला जो पाया जाता है वो पॉडी फीड, यानी यानी धान की खेती होगी, है ना, धान की खेती में क्या होगा, एजोला, एजोला यानी पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में एजोला पाया जाएगा। एनाबिना सिम बैड एसोसिएशन करता है किससे, एजोला से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे हमको क्या बताया गया है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें चीज़ें होगी, सिम्बायोसिस होगी, यानी इसमें चीज़ें मिलकर काम करेंगी, दो चीज़ मिलकर काम करेंगी इसमें, ठीक है। क्या है, सेवरल टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन आर नोन, है ना, कुछ टाइप के सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के एसोसिएशन हमको पता है, कौन कौन से हैं वो, द मोस्ट प्रोडोमिनेंट, है ना, सॉरी मोस्ट प्रोमिनेंट, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित, मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग ऑफ द लेग्यूम बैक्टीरिया जो होते हैं, लेग्यूम यानी फबेसी फैमिली, कौन सी फैमिली, फबेसी फैमिली, फबेसी फैमिली जो होती है, दाल वाली फैमिली होती है, पल्थ फैमिली होती है ना, इसको बोलते हैं लेग्यूम फैमिली बोलते हैं हम लोग। द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्पीसीज ऑफ रॉड सेप बैक्टीरिया की स्पीसीज क्या हुई, राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, रॉड सेप बैक्टीरिया, इस बात को याद रखेंगे, इसके नाम में आ रहा है तो ये कैसा बैक्टीरिया होगा, रॉड सेप बैक्टीरिया होगा, हैज सच रिलेशनशिप विथ रूट ऑफ सेवरल लेग्यूम सच एज अल्फा, है ना, कौन लेग्यूम में क्या क्या आ गए, अल्फा आ गया, स्वीट क्लोवर आ गया, स्वीट पी आ गया, लेंटिल्स आ गया, गार्डन पी आ गया, और क्या आया, ब्रॉड बीन आया और क्लोवर बीन आया, ये क्या है, लेग्यूम की लेग्यूम है, ठीक है, यानी राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट से एसोसिएशन करता है, ठीक है। अब यही बताया गया है, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एज नूडल्स, है ना, जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होगा रूट में कैसा होगा, वो किस फॉर्म में होगा, नूडल के फॉर्म में होगा, है ना। नूडल्स क्या होते हैं, ये बताया गया है, नूडल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट, नूडल्स होते हैं रूट में, यानी लेग्यूम प्लांट की रूट में, एक क्या हो गया, जैसे मान लो सपोज डेट ये रूट हुई, है ना, ये रूट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ हो जाएंगी, इनको क्या बोलेंगे, नूडल्स बोलेंगे, यहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, लेग्यूम प्लांट में पाए जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, है ना, आउटग्रोथ को लेग्यूम बोलते हैं जो कि रूट में होता है, ठीक है। द माइक्रोब्स जो होता है फ्रेंकिया, एक माइक्रोब्स क्या है, फ्रेंकिया है, ये कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोब फ्रेंकिया है, आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल्स बनाता है, कहाँ पे बनाता है, ऑन रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, है ना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जो फबेसी फैमिली के मेंबर नहीं होंगे, यानी दाल वाली फैमिली के मेंबर नहीं होंगे, उनमें ये करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजनिफाइंग नूडल्स बनाएगा, है ना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, इस बात को याद रखेंगे। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल क्या दिया गया हमको यहाँ पे, एलनस, क्या है, एलनस, ये बात याद रखेंगे कि एलनस किससे रिलेटेड है, फ्रेंकिया से रिलेटेड है, ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये फ्रेंकिया जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल बनाता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल बनाता है। आगे क्या है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल, है ना, राइजोबियम और फ्रेंकिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉइल में कैसे होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट एज सिम्बायोटेंट, है ना, जब ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमोसफियर में तो वो कैसे हो जाते हैं, सिम्बायोटेंट हो जाते हैं, है ना, वैसे तो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसे एटमोसफियर के नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो सिम्बायोटिक स्टेज में आके करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या है, अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लॉरिंग, है ना, किसी भी पल्स प्लांट की रूट को आप जब देखेंगे जस्ट बिफोर द फ्लॉरिंग से पहले, तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी नियर स्पेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, यानी रूट के पास स्पेरिकल आउटग्रोथ होंगी, इसको क्या बोला गया था रूट नोड्यूल, है ना, ये कब होता है, फ्लोरिंग के पहले होता है ना, जस्ट बिफोर द फ्लोरिंग, दीज आर नोड्यूल्स, इनको क्या बोला, नोड्यूल्स बोला। इफ यू कट, अगर आप इन्हें काटेंगे, है ना, इफ यू कट थ्रू देम
यू विल नोटिस डेट द सेंट्रल पोर्सन इज रेड और पिंक। जब आप इस नूडल को काटेंगे तो आप देखेंगे उनका जो सेंट्रल पोर्सन है वो सेंट्रल पोर्सन कैसा है, रेड है या तो पिंक है, कैसा रेड या पिंक, रेड कलर का या पिंक कलर का आपको दिखेगा क्या नूडल का सेंट्रल पोर्सन, ठीक है। विच मेक नूडल पिंक, ऐसा क्या है जो नूडल को कैसा पिंक बनाता है, ऐसा क्या है जो नूडल को पिंक बनाता है, तो इसके लिए क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, है ना। जैसे हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बट इनमें प्लांट में भी लेग्यूमिनस प्लांट में कैसा लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि इनको पिंक कलर प्रोवाइड कराता है या रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो अब यहाँ पे इसको लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, लेग हीमोग्लोबिन, लेग वर्ड रिलेटेड है लेग्यूमिनस से, हीमोग्लोबिन वर्ड रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें क्या लेग्यूम प्लांट की क्या पाया जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जो पिंक और रेड कलर प्रोवाइड कराता है इनको, ठीक है नूडल्स को। अब आगे क्या बताया गया, नूडल फॉर्मेशन, कि नूडल का फॉर्मेशन कैसे होता है यार, ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ठीक है। नूडल फॉर्मेशन क्या है, अब नूडल फॉर्मेशन, नूडल कैसे बनते हैं, ठीक है। नूडल फॉर्मेशन इन्वॉल्व ए सिक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट ऑफ हॉस्ट प्लांट, है ना। अब इसमें क्या बोला गया कि नूडल फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इंट्रैक्शन होते हैं, किसके किसके बीच में होते हैं, राइजोबियम के बीच में होता है ना, राइजोबियम के बीच में और रूट ऑफ हॉस्ट प्लांट, जिस हॉस्ट प्लांट क्या बोला मतलब जिस प्लांट में नूडल फॉर्मेशन हो रहा है, जिस प्लांट में नूडल फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आके इसमें अपना एक्शन शो कर रहा है तो उसको क्या बोला, हॉस्ट प्लांट बोला, ठीक है। सो यही है कि उसके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, मल्टीपल सिक्वेंस होते हैं तब बनता है। आगे क्या है, प्रिंसिपल स्टेज इन द नूडल फॉर्मेशन आर समराइज एज फॉलो। तो हमको यहाँ कुछ स्टेज बताई गई हैं जो नूडल फॉर्मेशन जिससे होता है, क्या बताया गया है, फर्स्ट क्या होगा, राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। सो इसका सिंपल वर्ड क्या हुआ भाई, इसका सिंपल वर्ड ये हुआ कि राइजोबियम जो होगा बैक्टीरिया होगा सबसे पहले वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगा, क्या करेगा संख्या बढ़ाएगा, और फिर क्या करेगा कॉलोनाइज हो जाएगा और फिर वो अपना घर बना लेगा वहीं पे, कहाँ पे बना लेगा, सराउंडिंग ऑफ रूट, रूट के चारों तरफ, रूट के चारों तरफ अपना वो घर बना लेगा वहीं पे, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा और वो क्या करेगा फिर अटैच हो जाएगा किससे, एपिडर्मल, है ना, एपिडर्मल, एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल से क्या हो जाएगा वो अटैच हो जाएगा। पहला तो ये हुआ, ये क्या हुआ, पहला ये हुआ कि मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज हो जाएगा और रूट ऑफ के चारों तरफ सराउंड करके एपिडर्मल और हेयर सेल से, रूट हेयर सेल से अटैच हो जाएगा। अब आगे क्या है, द रूट हेयर, अब जो रूट हेयर हुए, रूट हेयर कैसे होते हैं हम सभी को पता है, जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। जो रूट हेयर कर्ल, अब रूट हेयर क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे एंड बैक्टीरिया इम्बेडेड द रूट हेयर, है ना, रूट हेयर क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे और बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाएगा, उनके रूट हेयर में इम्बेडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्बेडेड होने का, इम्बेडेड का मतलब उसके अंदर चला जाएगा, घुस जाना, हाँ अंदर जाना या घुस जाना, ठीक है, किसी के अंदर घुस जाना, इन्वेजिनेशन जैसे होता है कोई चीज़ अंदर की तरीके होती है, कोई चीज़ अंदर ऐसे, मान लो ये नॉर्मल चीज़ है, अब इसका इन्वेजिनेशन हुआ कोई चीज़ तो ये अंदर आ जाएगी, तो ऐसे होता है इन्वेजिनेशन या इन्वेड होना, यानी रूट हेयर कर्ल हो जाएगा और बैक्टीरिया उसके रूट हेयर में एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, एन इन्फेक्शन थ्रेड, और फिर क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, और फिर क्या बना, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया और ये फिर क्या हुआ, जो कि बैक्टीरिया को कहाँ पर ले जाता है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, यानी बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स ऑफ रूट में ले जाएगा। सबसे बाहर क्या होता है रूट में, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल, एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है कॉर्टेक्स होता है, फिर क्या होता है एंडोडर्मिस होती है, फिर क्या होती है पेरिसाइकिल होती है, ये बात हमको पता है। इसके बाद वास्कुलर बंडल आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये बात हमको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रूट रूट थ्रेड बना, ये इसको बैक्टीरिया को कहाँ ले गए, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में ले गए। अब वहाँ पर क्या हुआ, वेयर दे इनिशिएट द नूडल फॉर्मेशन इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट। अब हमसे ये पूछा गया, ये बताया गया हमको कि यानी जो नूडल फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स ऑफ रूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे कि जो नूडल का फॉर्मेशन होता है ना, नूडल फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रूट के कॉर्टेक्स में होता है ना, रूट के कॉर्टेक्स में होता है, इस बात को याद रखेंगे।
आगे क्या है, देन बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड, है ना, फिर क्या हुआ, देन बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल विच लीड टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेसिफाइड नेट्रोफिक सेल, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पे ये नूडल फॉर्मेशन बना लिया, उसके बाद बैक्टीरिया क्या हुआ, रिलीज हो गया फ्रॉम द थ्रेड, यानी रूट थ्रेड से रिलीज हो गया इनटू सेल, उस सेल में रिलीज हो गया जहां पे जो सेल क्या हो रही, डिफरेंशिएट हो रही है और नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन रही है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन रही है, उसमें वो रिलीज हो गया। आगे क्या है, द नूडल दस फॉर्म, उसके बाद क्या है, नूडल बन जाता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, स्टेबलाइज ए डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, फिर क्या हुआ, वो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में आती है, वास्कुलर कनेक्शन, वास्कुलर कनेक्शन में क्या आ जाएंगे, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे, इनके कॉन्टेक्ट में आ जाती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है और वहां से क्या, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करती है, यानी न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, दीज इवेंट आर डिपिक्टेड इन फिगर, ये हमको इवेंट दिखाए गए हैं फिगर में, डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाया जाना, यानी 12.4 फिगर में हमको बताया गया है ये कि नूडल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। द नूडल कंटेन ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट, यानी नूडल में क्या होता है, सारे के सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं, कैसे, नेसेसरी बायोकेमिकल यानी जरूरी, बायोकेमिकल मतलब लिविंग से रिलेटेड हैं, और कंपोनेंट मतलब घटक, सारे के सारे वो जरूरी घटक पाए जाएंगे किसमें, नूडल में, ठीक है। आगे क्या है, सच एज एंजाइम, तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या हुआ, एक एंजाइम होता है कौन सा, नाइट्रोजिनेस, कौन सा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम होगा, और क्या हुआ, लेगिमोग्लोबिन, लेगिमोग्लोबिन क्या था, ये पिंक कलर प्रोवाइड करा रहा था, क्या कलर प्रोवाइड करा रहा था, पिंक कलर प्रोवाइड करा रहा था, और जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम था, नाइट्रोजिनेस क्या कर रहा था, नाइट्रोजिनेस एन2 को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, एन2 को कन्वर्ट कर रहा था एन3 में, ठीक है, ये बात पता है। यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिब्डेनम होता है और एफई प्रोटीन होती है, एमओएफई प्रोटीन होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस होता है वो क्या है, एमओएफई प्रोटीन है, क्या है, एमओएफई प्रोटीन होता है, एंड कैटलाइज, और ये क्या करता है, कैटलाइज करता है, कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा था, यानी एन2 को NH3 में, ठीक है, नाइट्रोजिनेस यहाँ पे था और क्या था, एमओएफई यहाँ पे प्रोटीन होगी। आगे क्या है, फिगर ये 12.5 में दिखाया गया हमको, ठीक है, क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, अब हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होगा, तो हम बोलेंगे अमोनिया होगा, है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे हमको क्या बताया गया यहाँ पे, वो जो नूडल फॉर्मेशन हो रहा था उसके बारे में हमको बताया गया है ना, उसके बारे में हमको बताया गया, क्या बताया गया है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ रूट नूडल इन सोयाबीन, यहाँ पे जो हमको दिखाया गया है, किसका दिखाया गया है, सोयाबीन का दिखाया गया है ना, तो फर्स्ट इसमें ए क्या बताया गया, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट ए सस्पेक्टाइल रूट हेयर, नाइट्रोजन बैक्टीरिया था वो किसके कॉन्टेक्ट में आया, रूट हेयर के कॉन्टेक्ट में आया और वहाँ आके क्या किया, खुद को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कॉलोनाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, बी में क्या बताया गया, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉज कर्ल, है ना, उसके बाद जब इसमें इस रूट हेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा तो रूट हेयर कैसा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, यानी वो घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, कर्ल हो जाएगा, जैसे रूट हेयर ऐसे था तो आगे चल के ऐसे मुड़ गया, ठीक है, कर्ल हो गया। अब सी में क्या बताया गया, इन्फेक्टेड थ्रेड कैरी द बैक्टीरिया टू इनर कॉर्टेक्स, इन्फेक्टेड थ्रेड होगा ये कर्ल हो जाएगा तो बैक्टीरिया इसके क्या होगा, इनर कॉर्टेक्स में चला जाएगा, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रूट शेप बैक्टीरियाड, और उसके बाद बैक्टीरिया होगा वो खुद को मॉडिफाइड कर लेगा रॉड शेप में, रॉड शेप बैक्टीरियाड में खुद को मॉडिफाइड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल टू डिवाइड, और फिर वो पेरिसाइकिल सेल में और इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल लीड टू नूडल फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा, किसका डिवीजन होगा, कॉर्टिकल सेल का डिवीजन होगा, पेरिसाइकिल सेल का डिवीजन होगा, और फिर क्या होगा, रूट नूडल बन जाएगा। उसके बाद डी में क्या है, एक मैच्योर नूडल कंप्लीट हो गया विद वास्कुलर टिश्यू कंटिन्यू टू
दो रूट है ना, वो वास्कुलर ट्यूब के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, उससे एक्सचेंज करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड कर लेगा और सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर लेगा वहाँ से। ठीक है, अब हम आपको फिगर दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ये सॉइल के पार्टिकल हैं और यहाँ पे बैक्टीरिया भी पाया जा रहा है और रूट हेयर पाए जा रहे हैं। अब बैक्टीरिया रूट हेयर के चारों तरफ क्या किया, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब बैक्टीरिया रूट हेयर से अटैच हो गया तो क्या बना, हुक बन गया। कैसा बन गया, हुक बन गया, कर्ल हो गया। चीजें कर्ल होगी तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या, यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड बनने लगा है ना। ये क्या हुआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखा रहे हैं, ये हुक दिखा रहा है, ये रूट हेयर है। ये क्या है, रूट हेयर है, रूट हेयर है, रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर है। अब ये बैक्टीरिया आके इसमें रूट हेयर से अटैच करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है। क्या बन गया, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, यानी इन्फेक्शन थ्रेड बना और ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल अंडर डिवीजन। और ये बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स में चला गया, पेरिसाइकिल में चला गया और वहाँ पे अपना डिवीजन करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा, मैच्योर नूडल बन गया, मैच्योर नूडल बन गया। ये किसका है, सोयाबीन का है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि मैच्योर नूडल बन जाता है। अब आगे क्या बताया गया हमको, आगे रिएक्शन दी गई हमको है ना, रिएक्शन के बारे में बताया गया है। द रिएक्शन इज फॉलो, कि स्टेबल प्रोडक्ट जो था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था, वही है। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन आया, 8 इलेक्ट्रॉन आए और 8 हाइड्रोजन एटम से मिलके और 16 ATP मिले, क्या बना दिया, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बना लिए। यहाँ पे 16 ATP लग रहे हैं, कितने के लिए, 16 ATP लग रहे हैं, दो के लिए, 2NH3 के लिए क्या, 16 ATP लग रहे हैं। तो एक के लिए कितने लगेंगे, 8 ATP लगेंगे, एक 8 ATP लगेंगे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एक के लिए हमको पता है 8 लगते हैं, दो के लिए 16 लगते हैं, तो कितने के लिए भी पूछेगा क्वेश्चन में, हम उसको कैलकुलेट करके बता देंगे। यहाँ पे हमको रिएक्शन दे देगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 की जगह 10 कर देगा, यहाँ पे मिस कर देगा कि यहाँ पे कितने ATP लगेंगे, तो हमको पता है एक के लिए 8 लग रहे हैं, 10 के लिए कितने भी हो हम बता देंगे ऐसे। ठीक है, कैलकुलेट करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 ATP लगे, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन निकला यहाँ पे, 16 ATP और फास्फेट आयन है ना, 16 ATP प्लस 16 फास्फेट के आयन आए, 16 ATP। ये फिर से क्या बना सकते हैं, ATP और ये किसमें, ये ATP में टूटते हैं, ATP से ATP टूटेगा किसमें, ADP प्लस फास्फेट आयन में। इस बात को पता है हम लोग को, जानते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ये बात याद रखेंगे कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 ATP लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनिया होता है। ठीक है, आगे क्या है, दीज एंजाइम नाइट्रोजिनेज हाईली सेंसिटिव है ना, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज था वो कैसा था, हाईली सेंसिटिव था टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होगा, उसमें हाईली सेंसिटिव होगा किसके, मॉलिकुलर ऑक्सीजन के लिए है ना। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, इसके लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट हो, क्या O2 अब्सेंट हो है ना, O2 अब्सेंट हो तभी ये काम करता है क्या, एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ठीक है, आगे क्या है, द नूडल्स हैव एडाप्टेशन डेट इंश्योर डेट एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन है ना। नूडल में क्या होता है, एडाप्टेशन हो जाता है, नूडल्स में क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, वो इंश्योर करता है कि जो एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसको किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से इसको बचाना है। अगर ऑक्सीजन हुई तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना काम नहीं कर पाएगा, नूडल फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नूडल में ये क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, याद रखेंगे। टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम द नूडल कंटेन एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट है कि नूडल में क्या होता है ना, ये नूडल में क्या होगा, एक ऑक्सीजन स्क्वेंजर, यानी ऑक्सीजन को ले जाने वाला, इसका स्क्वेंजर का मतलब क्या होता है, ले जाने वाला, ले जाने वाला है ना, ऑक्सीजन को ले जाने वाला क्या होगा, लेग हीमोग्लोबिन होगा। लेग हीमोग्लोबिन क्या होगा, एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा किसके लिए, एंजाइम के लिए है ना, नाइट्रोजिनेज के लिए क्या कराएगा, एनरोबिक कंडीशन बनाएगा। आगे क्या है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे कि जो होता है ऑक्सीजन का काम क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन क्या काम क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंजर का काम करता है। ठीक है, आगे क्या है, इट इज इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए इंटरेस्टिंग है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, लाइव एज जो माइक्रोब्स होंगे वो कहाँ पे रहते हैं, माइक्रोब्स लाइव एज
एरोब अंडर फ्री लिविंग कंडीशन है ना, जो माइक्रोब होंगे वो फ्री लिविंग कंडीशन में वो एरोब्स रहेंगे, मतलब ऑक्सीजन यूज करेंगे है ना, O2 यूज कब करेंगे, जब वो फ्री लिविंग रहेंगे है ना, फ्री लिविंग रहेंगे तब वो O2 यूज करेंगे। वेयर नाइट्रोजनेज इज नॉट ऑपरेशनल, जब नाइट्रोजनेज नहीं होता है तब वो जो होंगे वो कैसे फ्री लिविंग माइक्रोब्स कैसे होंगे, एरोबिक होंगे ठीक है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट हो जाएंगे, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए काम चालू हो जाएगा तो ये कैसा हो जाता है, बिकम एनरोबिक, ये फिर एनरोबिक हो जाता है ना, एनरोबिक हो जाता है, दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनस एंजाइम, और नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने लगता है ना, नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने लगता है। आगे क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा इन द एवर रिएक्शन डेट अमोनिया सिंथेसाइज बाई नाइट्रोजनेज रिक्वायर ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी है ना, आपने ये देखा होगा कि जब अमोनिया बनना था है ना, तो उसके लिए क्या है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत हो रही थी, 8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, यानी 8 ATP एक अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो रही है, हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है यार ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑप्टेन फ्रॉम द रिस्पायरेशन ऑफ द हॉस्ट सेल, ये एनर्जी कहाँ से आती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑप्टेन फ्रॉम रिस्पायरेशन ऑफ हॉस्ट सेल, जो हॉस्ट सेल होगी, जो जिस सेल में क्या होगा ये सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो उस सेल में उसी सेल से एनर्जी बनती है, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप बताए गए हैं ना, स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में बाई नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो कहाँ पे, फाउंड इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पाया जाएगा, क्या होगा, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में। अब उसके लिए क्या होता है वो देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमको बताया गया जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2 है ना, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम है कौन सा, नाइट्रोजनेस एंजाइम है, और एंजाइम में क्या होती है, बाइंडिंग साइड होती है, एंजाइम में क्या होती है, बाइंडिंग साइड होती है, यानी एक्टिव साइड होती है, ये हमको बताया गया है। अब जो नाइट्रोजन है एटमोसफियर में है ना, अब वो क्या होगा, वो किससे बाइंड करेगा, एंजाइम से बाइंड करेगा, यानी दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, दो एक्टिव साइड हैं, दोनों एक एक आके बाइंड कर लेंगे है ना। जब नाइट्रोजन से बाइंड करता है तो उसमें क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बात को हमको पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब भाई हमको क्या, N2 से क्या बनाना है, N2 से हमको अमोनिया बनाना है, यानी यहाँ पे तीन हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने, तीन रिडक्शन प्रोसेस होंगे, तब जाके हमारा क्या, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनेगा ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे बताया गया है कि अब क्या हुआ, नाइट्रोजन सबस्ट्रेट बाइंड कर गए सबस्ट्रेट से है ना, एंजाइम नाइट्रोजनेज में। अब उसके बाद क्या है, फर्स्ट रिडक्शन हुआ, सो एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन आ गए, यहाँ 2H बोला है, 2H तो यानी दोनों नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड था वो वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों में जुड़ जाएगा है ना, एक एक हाइड्रोजन दोनों में आके जुड़ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक फिर रिडक्शन हुआ, फिर दो हाइड्रोजन आए, तो क्या हुआ, अब फिर ये जो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं डबल बॉन्ड से ये सिंगल हो गए, अब एक हाइड्रोजन इससे, यानी एक इससे ऐसे जुड़ जाएंगे। अब फिर क्या हुआ, फिर एक और रिडक्शन डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का था, ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और क्या हो जाएगा, फिर तीन तीन हाइड्रोजन सब में जुड़ जाएंगे, तो यानी एक ये बन गया एन एच थ्री है ना, यहाँ पे हमको बताया गया है ये NH3 बन गया है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो यहाँ से प्रोडक्ट जो होगा है ना, प्रोडक्ट जो होगा अमोनिया वो बाहर हो जाएगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो गया, तो क्या जो ये फिर नाइट्रोजन जो एंजाइम था है ना, इसके फिर दूसरे से बाइंड करेगा,
है ना, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से बाइंड करेगा, फिर से ये रिएक्शन कॉज कराएगा, फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब ये होता है एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, बात को याद रखेंगे, एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, वो फिर से फ्री हो जाते हैं, प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं और फिर से अपने आप को फ्री कर लेंगे और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, यही हमको बताया गया था कि कौन से स्टेप थे, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना। अब आगे क्या बताया गया हमको, फेट ऑफ अमोनिया, क्या बताया गया, फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फेट ये देख लेते हैं हम लोग, क्या है, एड फिजियोलॉजिकल पीएच, एड फिजियोलॉजिकल पीएच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच, यानी ऐसा पीएच जिसमें फिजियोलॉजी हो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, ठीक है, इसको वैसे ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हैं। द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन, है ना, अमोनिया प्रोटीनेटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा, प्रोटॉन आके ऐड होगा यानी हाइड्रोजन आके ऐड होगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव होता है ना, तो यानी प्रोटीनेटेड बोला यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अमोनिया के साथ ऐड हो जाएगा, यानी थ्री के साथ एक आ गया, तो क्या बना दिया, NH4 अमोनियम आयन बना दिया, क्या बना दिया, अमोनियम आयन बना दिया, ठीक है। वाइल आगे कह दिया, वाइल मोस्ट ऑफ प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, सो मेनली प्लांट जो होता है, अगर मेनली पूछा जाए तो क्या होता है, NO3 प्लांट जो मेनली नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेगा, तो मेनली नाइट्रोजन लेगा किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, बट क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो एसिमिलेट कर सकते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है। आगे क्या है, द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम, है ना, और ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होता है, इस वजह से प्लांट में ये एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्यूमुलेट नहीं होते हैं प्लांट में। लेट अस नो हाउ टू क्या है, अमोनियम आयन यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट, आओ ये हम देखते हैं कि अमोनियम आयन से कैसे क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं प्लांट में, है ना, अमोनियम आयन से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे प्लांट में, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बनते हैं प्लांट में, ठीक है, कैसे बनते हैं वो देखते हैं इस बारे में। देयर आर टू मेन वे, इसको बनने के लिए दो मेन रास्ते हैं, दो मेन वे हैं, कौन कौन से हैं, एक रिडक्टिव एमिनेशन, है ना, ये क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन है, और दूसरा क्या है, ट्रांस एमिनेशन है, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन देख लेते हैं हम लोग, इन दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड, इस प्रोसेस में रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करती है किससे, अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड से, और क्या बना देती है, ग्लूटामिक एसिड बना देती है, है ना, क्या करेगी, अमोनिया रिएक्ट करेगी अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड से और क्या बना देगी, ग्लूटामिक एसिड बना देगी, एज इंडिकेट इन द इक्वेशन, जो कि हमको इक्वेशन में दिखाया गया है, इक्वेशन देख लेते हैं हम क्या है, जो अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड होता है ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का है, इसको याद रखेंगे, 5 कार्बन का एसिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा क्यूटोग्लुटारिक एसिड अमोनियम आयन से रिएक्ट कर दिया और क्या NADPH हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंजाइम हुआ क्या हुआ, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको याद रखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा रिडक्टिव एमिनेशन में, है ना, रिडक्टिव एमिनेशन में एंजाइम कौन सा लगता है, तो हम बोलेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा इसमें, और ये किसको क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा, क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा, वाटर निकलेगा और NADPH निकलेगा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिडक्टिव एमिनेशन हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, अब ट्रांस एमिनेशन, सेकंड क्या था, ट्रांस एमिनेशन से पता चला यहाँ पे किसी चीज़ का ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर होगा किसी चीज़ का, क्या ट्रांसफर होगा वो देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, है ना। अब इसमें क्या है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में, यानी एक अमीनो एसिड का ट्रांसफर किसी दूसरे अमीनो एसिड के कीटो ग्रुप से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, यही बताया गया है। अब आगे क्या है, ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड होता है इज मेन, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप टेक
प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड इज फॉर्म थ्रू ट्रांसमिनेशन द एंजाइम ट्रांसमिनेज कैटलाइज ऑल सच रिएक्शन फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये मेन एसिड होता है ना, जो कहाँ से आता है, ग्लूटामिक एसिड मेन एसिड विच फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2, जो कि NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करता है। द अमीनो ग्रुप टेक प्लेस द अनदर अमीनो एसिड आर फॉर्म थ्रू ट्रांसमिनेशन, यानी जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बनता है उसमें ट्रांसफर होता है, इसमें किसमें NH2 का या NH3 ग्रुप का हो गया कीटो ग्रुप का। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग पहला क्या है, पहले में क्या होगा, एक अमीनो डोनर होगा। अमीनो डोनर का मतलब होगा ये NH2 ग्रुप देगा। ठीक है, NH2 ग्रुप देगा, एक क्या होगा अमीनो एक्सेप्टर होगा जो NH2 ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ फर्स्ट वाले में अभी क्या है NH3 लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोटॉक्स साइड में क्या आ गया, कीटो आ गया। तो यहाँ का कीटो इधर पे जाएगा और यहाँ का जो ये है इधर पे आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे, दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले में वहाँ पे अमीनो था, यहाँ पे क्या आ गया कीटो आ गया, यहाँ सेकेंड वाले में वहाँ कीटो था, यहाँ पे अमीनो आ गया, बात वही है। ठीक है, आगे क्या है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड है ना, जहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड होते हैं, कौन कौन से एमाइड होते हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड क्या हो गए, एस्पराजिन और ग्लूटामिन। एमाइड कौन कौन से हो गए, एस्पराजिन और ग्लूटामिन, ये एमाइड हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हमसे पूछ लेगा एस्पराजिन और ग्लूटामिन क्या है, ग्लूटामिन क्या है, तो हम बोलेंगे एमाइड है। आगे क्या है, फाउंड इन प्लांट आर ए स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये कहाँ पे प्लांट में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का कौन सा पार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं प्रोटीन का। ठीक है, एस्पराजिन और ग्लूटामिन। ठीक है, दे आर फाउंड फ्रॉम टू मेन अमीनो एसिड, ये क्या है, दो मेन अमीनो एसिड से बनते हैं। जो एस्पराजिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से बनेगा, और जो ग्लूटामिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जो एस्पराजिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से बनेगा, और जो ग्लूटामिन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा, क्योंकि इनमें एसिड हैं तो ये क्या है, अमीनो एसिड हो गए, और ये क्या है, इसमें एमाइड हैं, तो यानी एमाइड में जो होता है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है देन एसिड से। आगे बताते हैं आपको, रिस्पेक्टिवली बाई एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच अदर। ठीक है, यानी एमाइड में क्या होता है, एक और ग्रुप आ जाता है एक अमीनो ग्रुप और आ जाता है, यानी तो वहाँ पे अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, एमाइड में अमीनो ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन, जहाँ पे एमाइड ज़्यादा होंगे वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, एमाइड में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे अमीनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाई अनदर NH2 रेडिकल, यानी हाइड्रोक्सिल पार्ट होगा एमाइड में क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, NH2 रेडिकल से, तो यहाँ वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से नाइट्रोजन कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, सिंस एमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन, इसी वजह से क्या होता है, एमाइड में होता है मोर नाइट्रोजन होती है देन अमीनो एसिड, यानी एमाइड में क्या होगी, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा में, अमीनो एसिड से। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में बाई जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल जो होती हैं ट्रांसपोर्शन करती हैं। ठीक है, जाइलम वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे क्या है, इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम ऑफ नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, है ना, ये क्या होता है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होती है, जहाँ जाइलम और फ्लोएम का रोल होगा, जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है, ऑफ नूड्यूल ऑफ सम प्लांट, यहाँ पे एग्जांपल हमको किसका दिया गया, सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम के द्वारा, यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के द्वारा जो ट्रांसफर होगा, जो सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया है, स्पोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एच यूरियड, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो सोयाबीन में होता है वहाँ पे जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्म में भेजा जाता है, वो उसका फॉर्म होता है यूरियड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूरियड क्या होता है, यानी नाइट्रोजन जो फिक्स हो गई तो वो किस फॉर्म में एक्सपोर्ट की जाएगी, यूरियड के फॉर्म में एक्सपोर्ट की जाएगी, किस प्लांट में, सोयाबीन के प्लांट में। ठीक है, दीज कंपाउंड ऑल्सो है पार्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, इन कंपाउंड में क्या होता है, हाई नाइट्रोजन टू
कार्बन रेशियो होता है, इस बात को इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे कि यूराइड जो होता है सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्स होती है, यूराइड के फॉर्म में उसको भेजी जाती है ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है।